आज का कार्यक्रम जो विधिवत रूप से सम्मानित कार्यक्रम हम अतिथियों का करते हैं और विधिवत रूप से शुरू करावे ऐसा मेरा आग्रह है। आदरणीय चंद्रकला जी बोले आज के कार्यक्रम की सम्मानित अतिथि है। मैं राधिका बाबी से भी निवेदन करता हूँ मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे महापौर साहब अगर आवाज सुन रहे हो, जीएस डॉक्टर साहब वहां पधारे। दीपावली मेला 2024 नगर निगम द्वारा आयोजित आज जो 15 दिन का यह मेला है उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम का आज छठा दिन है, जिसमें कवि सम्मेलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शैलेश जी लोढ़ा आज अपना आप सभी का उत्साहवर्धन कर आनंद की अनुभूति कराएंगे। नगर निगम द्वारा अनवरत 24 वर्षों से यह मेला लगातार चल रहा है, जिसमें नगर निगम का यह प्रयास रहता है कि शहर की जनता को हम कैसे अच्छे से अच्छा स्वच्छ स्वच्छ मनोरंजन प्रदान करें। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जोराराम जी कुमावत पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजस्थान सरकार पधार रहे हैं। मंच पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आश्रम से अखिल भारतीय अधिकारी राधिका जी लगा नहीं मोहन साहब ने बताई आप तो जानो अपने महाराणा प्रताप गौरव के अंदर से अनुरागी बैसा मेरे जयपुर में 5-7 प्रचारक भी रहे
आप भी आगे बढ़ा जाओ, आगे बढ़ा जाओ, हाँ बैठिए साहब। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजस्थान सरकार, आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ महापौर जी, उपमहापौर जी और मैं स्वयं। महापौर जी, उपमहापौर जी और चंद्रकला जी बोले हमारे सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष चंद्रेंद्र दुंगा, उनका उपना साल और प्रतीक चिन्ह देकर उनका स्वागत करें। राजस्थान सरकार के यशस्वी मंत्री जोराराम जी कुमार का स्वागत करते हुए सांसद हमारे जनप्रिय नेता आदरणीय चुनीलाल जी साहब करासिया, जो हमारे राज्यसभा के सांसद है, उनका स्वागत हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें हमारे सांसद चुनीलाल जी साहब करासिया का। भेजे जरूर बचो। स्वागत की कड़ी में श्रीमान श्री शिवाजी सारंग देव कुलपति धनाधार राय विश्वविद्यालय, आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ महेश जी, भी आशीष जी और शंकर जी बधाई और स्वागत करेंगे। जिन्होंने अपनी मेहनत के आधार पर इस विद्यापीठ यूनिवर्सिटी का नाम पूरे देश के अंदर रोशन किया है, आज के कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि के रूप में इस महल के अंदर पधार रहे हैं। मैं नगर निगम परिवार की ओर से उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, आदरणीय सारंग देव साहब। आज प्रवीण जी का मान सम्मान नहीं, उदयपुर का मान सम्मान बढ़ाया है। मैं प्रवीण जी खंडेलवाल का नगर निगम परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपसे भी निवेदन है, जोरदार ताली बजाकर प्रवीण जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। महाराणा प्रताप गौरव केंद्र जो राष्ट्रीय तीर्थ है, उसके निदेशक हैं। बहुत ही मेहनत करकर इस तीर्थ को ऊंचाइयां देने का कार्य कर रहे हैं। मैं नगर निगम परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, आदरणीय अनुरागी भाई साहब। श्री सबीर भी मुस्तफा परिजय के मोहताज नहीं, बोरा समाज से आते हैं और उदयपुर के अंदर व्यवसाय की दृष्टि से भी अपना नाम रोशन किया है और सामाजिक दृष्टि से भी एक अहम भूमिका का निर्वहन करते हैं। आदरणीय सबीर मुस्तफा साहब का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। श्रोताओं से निवेदन है बहुत शीघ्र कार्य। श्रीमान यशवंत जी आचिलिया, सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष, जीतो के चेयरमैन और अपने कर्म के आधार पर इस उदयपुर के अंदर अलग पहचान रखने वाले यशवंत जी आचिलिया हमारे कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि हैं। नगर निगम परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सभी से श्रोताओं से दर्शकों से निवेदन करता हूं, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। तारीख हमारे उदयपुर के आईपीओ और कवि रथ है, आज हमारे कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि हैं। मैं उनका भी नगर निगम परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, आदरणीय पारिक साहब।
आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ। रुचिका जी, मोनिका जी और तारा जी पधारे और स्वागत करेंगे। जिस रंगमंच के सामने अपन आज बैठे हैं, मोहल्ला जी साहब सुखाड़िया की पुत्र वधु और आज दिलीपा जी सुखाड़िया हमारे कार्यक्रम की सम्मानित अतिथि हैं। मैं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है लीलिमा जी का नगर निगम परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। निगम में साथी पार्षद और निर्माण समिति के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ भवन सिंह जी देवड़ा, माधुरी जी और देवेंद्र जी पुजारी पधारे, प्रेम सिंह जी सत्तावर में नगर निगम के प्रभारी जी हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं। महाराणा प्रताप की जयंती जो अभी उदयपुर शहर के अंदर मनाते हैं, उनके वर्षों तक अध्यक्ष रहे और आज हमारे इस कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि हैं। क्षेत्रीय समाज से आते हैं और वाकई में इनके काम की वजह से आज पूरा उदयपुर निर्माण की दृष्टि से जाना जाता है। निर्माण समिति के अध्यक्ष रहे प्रेम सिंह जी सत्तावत साहब का नगर निगम परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जीतो के पूर्व चेयरमैन SRG फाइनेंस कंपनी पूरे देश के अंदर अपना नाम रखती है और भामाशाह के रूप में, समाज सेवा के रूप में हर वक्त हर पल आगे आते हैं। ऐसे विनोद जी भांडोद आज के हमारे कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि हैं। मैं नगर निगम परिवार की ओर से उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। कोविड के कालखंड के अंदर अपनी अहम भूमिका का निर्वहन विनोद जी ने। भारतीय जनता पार्टी में आप जिला महामंत्री हैं, आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ चंद्रप्रकाश जी सुहाल का, कुसुम जी और ज्योति जी पधारे, श्रीमती किरण जी जैन महिला बैंक की चेयरमैन, बहुत मेहनत के आधार पर पूर्व मंत्री किरण माहेश्वरी के साथ मिलकर महिला बैंक की स्थापना करने में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन किया आदरणीय किरण जी जैन आज के कार्यक्रम की सम्मानित अतिथि हैं। मैं नगर निगम परिवार की ओर से उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अनिल जी नहार किसी परिचय का मोहताज नहीं, ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट के पूर्व अध्यक्ष और अभी वर्तमान में उदयपुर से करीबन 1500 यात्रियों को लेकर 12 दिवसीय कार्यक्रम समय शिखर जी का बहुत सकुशल निर्वहन किया। JSC को आज बहुत ऊंचाइयां देने के अंदर अपनी अहम भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। मैं विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूँ इस उदयपुर शहर के अंदर जो मैदान है कबूतर, जो आज यहाँ पर स्थान आप देखते हैं कबूतर का खाना हर जगह JSC के द्वारा लगाने का कार्य कर रहे हैं। अनिल जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। नेता सिमाली समाज के वर्तमान में अध्यक्ष, और मैं इनके बारे में कहूँ कि यह मेला अगर आयोजन हुआ तो उसमें अहम भूमिका का निर्वहन अगर किसी व्यक्ति का था तो वह दिग्विजय जी सिमाली थे। उन्होंने युधिष्ठिर जी भाई साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यह दशहरे दीपावली मेले का आयोजन करवाने में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन किया आज के कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि हैं। समाज के अध्यक्ष महावीर स्वाध्याय समिति के अध्यक्ष और सरकारी नौकरी में रहने के उपरांत भी इन्होंने अपना ध्येय जीवन का समाज सेवा का चुना और आज हमारे समाज के एक वरिष्ठ नेता के रूप में अपनी अलग पहचान रखते हैं। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि जोरदार ताली बजाकर प्रकाश जी कोठारी का स्वागत करें, अभिनंदन करें आज के हमारे नगर निगम के सम्मानित अतिथि प्रकाश जी को। दीपक जी बोलिया समाज सेवी के रूप में हर वक्त हर पल जो भी कार्य इनको समाज सेवा के रूप में बताया जाता है। कोविड कालखंड के अंदर
इन्होंने अपनी सेवाओं के माध्यम से उदयपुर की जनता का दिल जीता। और एक परिचय और जो हमारी इस मेले की संयोजिका है चंद्रकला जी, उनके पतिदेव भी है, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। ताली तो बजा दो। हाँ ऐसे बहुत बढ़िया। अपनी सरस्वती जैसा कंठ और जहां पर संचरण करते हैं, मंत्र मुक्त होकर श्रोताओं की बात को सुनते हैं, हमारे समाज के महामंत्री भी हैं, चेंबर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिवीजन के उपाध्यक्ष भी हैं। मैं आलोक जी बगारिया का आज के इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में बुला रहा हूं, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। भाई सिक्योरिटी वालों से अनुरोध है, टिकट पासेज किसको ना आने दे, प्लीज टिकट पासेज किसको ना आने दे, व्यवस्था में सहयोग बनाए। श्रमिकों के लिए जीवन पर्यंत जूझने वाला व्यक्ति, भारतीय मजदूर संघ के वर्षों तक प्रांतीय अध्यक्ष रहे, आज हमारे नगर निगम के कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि हैं। मैं नगर निगम परिवार की ओर से आदरणीय अमर सिंह जी सागला का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। उद्योगपति व्यवसायी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ पार्षद भी रहे और अपने कर्म के आधार पर हर वक्त हर पल अपनी चंचला राशि का सदुपयोग करते हैं, आज हमारे कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि हैं। अतुल जी चंडालिया, जोरदार स्वागत करें, ताले बजाकर अतुल जी चंडालिया का। आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ महेश जी, आरती जी और शंकर जी आए और स्वागत करें। दिनेश जी श्रीमाली, परिचय के मोहताज नहीं, उदयपुर विधानसभा का चुनाव लड़ा, नेता प्रतिपक्ष हमारे नगर निगम में रहे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, आज के हमारे कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि हैं। दिनेश जी श्रीमाली का नगर निगम परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भी रहे हुए हैं, आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ महेंद्र जी बकोरा, सहना जयू और रुचिका जी आए। हमारे युवाओं की धड़कन और हर वक्त हर समय कोविड कालखंड के अंदर इन्होंने जो रक्तदान का कार्यक्रम करवाया और लोगों की जान बचाने में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन कराया, इनको नगर निगम परिवार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। आज के कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि हैं भाई श्री गजेंद्र जी भंडारी, जोरदार ताली बजाकर भंडारी जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। पदाधिकारी और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय विष्णु जी प्रजापत आज हमारे कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि हैं, उनका स्वागत अभिनंदन हो रहा है। मैं सभी बंधु बहनों से, उदयपुर की जनता जनार्दन से अनुरोध करता हूं, सिर्फ 5 मिनट का कार्यक्रम शेष है, आप ताली बजाकर उत्साहवर्धन कीजिएगा। कभी कल हमारे बीच पधार गए हैं, इसलिए मेरा निवेदन है बहुत शीघ्र हम इस कार्यक्रम को समाप्त करने जा रहे हैं। अतिथि के रूप में पधारे हैं, मैं चंद्रकला जी, सोनिका जी और मोहन जी से अनुरोध करता हूँ कि वह पधारे और दालचंद जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे देवस्थान विभाग के गांधी जी भी, जो आरएस अधिकारी हमारे कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि हैं, वह भी हमारे मंत्री महोदय के साथ में बना रहे हैं, मैं उनके स्वागत के लिए निवेदन कर रहा हूँ। रुचिका जी बता रहे हैं के अंदर अपना नाम रोशन करने वाली प्रसिद्ध एंकर माधुरी कलाल हमारे बीच कार्यक्रम की आज की सम्मानित अतिथि है,
जोरदार ताली बजाकर माधुरी जी का अभिनंदन करिएगा। मैं निवेदन कर रहा हूँ कार्यक्रम के अतिथि के नाते शंकर जी चंद्रलाल देवेंद्र जी साहू और बाबू जी अभिनंदन। आज के कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि पंकज जी शर्मा भी पधार गए हैं। मैं पंकज जी शर्मा से अनुरोध करता हूँ मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। राधिका जी नड्डा हमारे कार्यक्रम की सम्मानित अतिथि हैं। मैं चंद्रकला भाभी से निवेदन करता हूँ, मनोज जी चौधरी से निवेदन करता हूँ कि वह पधारे और मोहन जी अरविंद जी। राधिका जी नड्डा जो वनवासी क्षेत्र में काम करती है, घर बार छोड़कर उन छोटी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति का दुख दर्द को मिटाने का काम करती है, ऐसी महिला आज हमारे बीच पे कार्यक्रम की अतिथि है। मैं उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि पंकज जी शर्मा। हमारे कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि, देखो आज अतिथि इसलिए ज्यादा है ये कार्यक्रम बड़ा है। जिनेंद्र जी शास्त्री हमारे युवा दिल की धड़कन, अंत में नाम लिया जिनेंद्र जी क्षमा यात्रा करना, क्योंकि क्या है कि अपन तो अहिंसा वर्मो धर्म वाले और क्षमा में विश्वास करते हैं, इसलिए मुझे माफ करेंगे। स्वागत करें अभिनंदन करें कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि प्रमोद जी सामर साहब हमारे बीच विराजमान है। प्रमोद जी सामर, मैं दीपिका जी चौधरी, विद्या जी भावसार और निवेदन कर रहा हूँ संतोष मेनारिया सेवा पधारे और कविता पाठ सुनने का बहुत शौक रखते हैं। कार्यक्रम के आज के सम्मानित अतिथि है प्रमोद जी। अंत में सम्मान की इस कड़ी में एक ऐसा व्यक्ति जो हर वक्त हर समय किसी भी काम में जब बुलाते हैं तो वह आदमी की भूमिका का निर्वहन करता है, हमारे पार्टी के महामंत्री भी हैं जगपाल सिंह जी राठौड़। राकेश जी जैन से अनुरोध करता हूँ कि वह पधारे और शंकर जी चंदेल से अनुरोध करता हूँ वह पधारे और गजपाल सिंह जी राठौड़ का स्वागत करें अभिनंदन करें। अरे अंतिम है, स्वागत जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें साहब, बस अंतिम ठीक है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जयराम मावा, दूसरे राजसभा के सदस्य श्री कुलराजी बराचा साहब एवं मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, ये बड़ा हर्ष का विषय है कि इस बार जो ये आज के दिन जो है आज के दिन हम बहुत सम्मान सभी का स्वागत कर रहे हैं और आप लोग भैया एंट्री को बंद कर दो, जनता इतनी, अरे एंट्री बंद कर दीजिए प्लीज, जनता इतनी पधारी बंद कर दो एंट्री, हम बहुत बहुत आभारी है। मेरे को बात का फल कुछ और थोड़ी बहुत उदयपुर के विकास के बारे में भी करनी थी कि हमने क्या क्या कार्य किया और आज हमारा एक तरह से एक महीना ही बाकी रहा है, जैसे मैं कुछ कहना चाहता था पर चूँकि समय अधिक हो गया है ज़रा इस विषय पर मैं बातचीत को ये देखता हूँ। और जैसे हमारे आयर रिवर है इसका कितनी सुंदर हो गई है और भी जो अपने जो कितने बहुत सारे अपन ने कट जो है गायब कर दिए हैं और प्रॉब्लम काफ़ी कितनी वो अपने सॉल्व कर रहे हैं। सड़कें हमारी राजस्थान में नंबर वन है, आज भी सड़कें कहीं पर भी अगर कहीं है अच्छी है तो उस शहर की है अंतर, चूँकि समय कम है तो मैं आप लोगों का पुनः आभार प्रकट करता हूँ कि सम्मानित मंच सब पधारे, हमको समय दिया और जो आप जो उद्योग के नागरिक लोग जितने इधर शामिल विराजमान हैं उन सबका मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय चुन्नीलाल जी दराजिया साहब,
राज्य सांसद मंत्री आपको पढ़ा रहे और विराजमान राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय कुमावत साहब, मंच पर विराजमान हमारे इस नगर निगम के मेयर आदरणीय कांत साहब, मंच पर विराजमान मेरे सभी भाई बहनों अतिथिगण, मेरे सामने बैठे हुए सभी भाई बहनों, दीपावली की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देने के लिए और राज्यसभा का सांसद होने के नाते यहाँ सब जो पधारे हैं इस दीपावली के त्यौहार में, इस मेले में आप सबको और हमारे विशेष रूप से उप मेयर हमारे भारत जी भाई साहब, उनकी पूरी टीम बहुत बहुत बधाई की पात्र है जिन्होंने बड़े मेहनत से यह मेले का आयोजन किया है। मैं समझता हूँ हम सब उनके प्रति इस कार्यक्रम के लिए बधाई भी देते हैं और शुभकामनाएं भी देते हैं कि आप सब बहुत इस परिवार को संभाल करके एक अच्छा कार्यक्रम कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री परम आदरणीय जोराराम जी कुमावत साहब पधारे और अपना उद्बोधन प्रदान कराए। वंदे वंदे। इस अपील होने पर नगर निगम द्वारा आयोजित इस मेले के कार्यक्रम में हमारे बीच में मंच पर विराजमान राज्यसभा के सांसद माननीय छनीलाल जी, यहाँ के लोकप्रिय मेयर माननीय गोविंद सिंह जी, डाक साहब डिप्टी मेयर माननीय भारत जी और मंच पर विराजमान सबके नाम नहीं लूंगा, सभी सम्मानित अतिथि का। सबसे पहले तो मैं मेयर साहब और डिप्टी मेयर साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आप सब लोगों के दर्शन करने का अवसर लोगों ने मुझे दिया है। वैसे उदयपुर में आना जाना रहता है लेकिन एक साथ में इतने लोगों के दर्शन करने का अवसर नहीं मिलता, ये दर्शन का सुनहरा अवसर डाक साहब ने दिया, इसलिए मैं डाक साहब और पारस जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। वैसे उदयपुर में हर आदमी आता है, चाहे वो राजस्थान के किसी कोने का हो या देश के किसी कोने का हो, और उदयपुर में झीलों की नगरी देखने के लिए तो उनको आना ही पड़ता है, किसी भी रूप में उनको आना ही पड़ता है। तो मेरा भी बचपन से यह उदयपुर में आना जाना रहता था, अब भी मंत्री बनने के बाद में भी कई बार आना हुआ है। निश्चित रूप से उदयपुर राजस्थान का सबसे सुंदर शहर है और पर्यटन की दृष्टि से भी उदयपुर सबसे सुंदर शहर है। और मेवाड़ तो वैसे वीर भूमि है, महाराणा प्रताप की वीर भूमि है और निश्चित रूप से महाराणा प्रताप हमारे लिए आदर्श है। उन्होंने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी उस लड़ाई को लेकर के आज भी पूरा देश महाराणा प्रताप की वीरता के कारण काम करता है और उनसे प्रेरणा भी लेता है। निश्चित रूप से ऐसे वीर पुरुषों के कारण से उदयपुर और मेवाड़ की धरती पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। मैं तो इस अवसर पर एक दो बात बताना चाहूँगा कि अभी जैसे वर्तमान में देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भजनलाल जी राजस्थान के मुख्यमंत्री है। मोदी जी देश के विकास के लिए लगातार 10 सालों से जो गति उन्होंने मोदी जी ने बढ़ाई है, देश में देश का नाम दुनिया में रोशन करने का काम किया है, निश्चित रूप से वो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। आज भारत को विश्व की पांचवी आर्थिक महाशक्ति बनाने का काम किया है और आगे आने वाले समय में मोदी जी का संकल्प है कि ये भारत देश कैसे विश्व का सबसे मजबूत राष्ट्र बने, विकसित राष्ट्र बने, आत्मनिर्भर राष्ट्र बने और ये कैसे विश्व गुरु बने, तो इस दिशा में मोदी जी काम कर रहे हैं
और भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, उसी मोदी जी के संकल्प को लेकर के राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी भी राजस्थान को विकसित करने के लिए राजस्थान सुंदर बनाने की दिशा में माननीय भजन लाल जी भी काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में राजस्थान विकसित कैसे बने, आत्मनिर्भर कैसे बने, इस दिशा में माननीय भजन लाल जी है कई देशों के विदेशी दौरों पर जाकर आए अभी, और राइजिंग राजस्थान के तहत भारत माता की भाई साहब साथ रहिए, राइजिंग राजस्थान माननीय भजन लाल जी राजस्थान के विकास के लिए कई देशों के विदेश यात्रा पर जाके आए, चाहे वो जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, रूस हो, या जैसे जापान हो, कई देशों की यात्रा पर जाकर आए हैं, और वहाँ से कई जो हमारे देश के जो उद्योगपति वहाँ गए हुए हैं, प्रवासी गए हुए हैं, उनको राजस्थान में विकसित राजस्थान में इन्वेस्टमेंट के लिए आमंत्रित करके आए, कई करोड़ों रुपए का MOU भी किया है। तो निश्चित रूप से अभी सभी जिला में भी राइजिंग राजस्थान के तहत MOU हो रहे हैं, तो आने वाले समय में ये राजस्थान सभी क्षेत्रों में विकसित कैसे बने, इस दिशा में माननीय भजन लाल जी की सरकार हमारी सरकार काम कर रही है, निश्चित रूप से राजस्थान के विकास, निश्चित रूप से उन जो बजट दिया है उसको क्रियान्वित के लिए भी हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। आज मुख्यमंत्री जी ने जो हमारी पार्टी ने घोषणा की थी उसका घोषणा पत्र में जो घोषणाएं थी उनमें से 50% घोषणाएं पूरी करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने अभी 10 महीने में किया है। आने वाली मेरे परिवार के ये पाली जिले पाली जोधपुर संभाग के हैं और मैंने बहुत ही समय उनके साथ में बिताया है, निश्चित रूप से आप सब लोग उनके प्रशंसक हो और बहुत जल्दी आपको वो सरज जी आपके बीच में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सम्मानित मंच पधारे हुए उदयपुर के सम्मानित नागरिक महानुभाव, ज्यादा कुछ ना कहता हुआ हमारे सभी सम्मानित अतिथि हमारे आगरा पर पधारे, उनका बहुत बहुत आभार, क्योंकि कवि हमारे बीच पधार गए हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय भारत। चाह करता हूँ वो अपना स्थान खाली कर दे, ऐसा मेरा आग्रह है। सभी सम्मानित अतिथि अग्रिम पंक्ति में बिरा देंगे, जो महानुभाव अतिथि नहीं है वह अपना स्थान खाली कर दे। हमारे बीच कार्यक्रम के दो अतिथि हमारे आरके मार्बल से और हमारे गीतांजलि से, अंकित जी भी पधारने वाले थे वह शायद नहीं पधार रहे, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सभी अतिथियों का पुनः एक बार आभार। मैं निवेदन कर रहा हूं यह कुर्सियां जल्दी हटा दे भाई, शीघ्र 10-12 कुर्सी रेडी देना, सिर्फ 10-12 कुर्सी। सोफे लगाएंगे ना, सोफे लगाओ फटाफट। चाला दोसा श्रीमान संजय जी चाला, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें संजय जी का। श्रीमान गोविंद राठी शाजापुर, श्रीमान गोविंद राठी शाजापुर, अरे ताली तो बजती है उदयपुर वालों। श्री पार्थ नवीन प्रतापगढ़, श्रीमान पार्थ नवीन प्रतापगढ़, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। श्रीमती कविता किरण हाला, श्रीमती कविता जी किरण हाला, अरे हमारे उदय कर रहे कविता जी का। पधार गई है, ताली बजती की बजती है मेवाड़ वासियों, हाँ जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। इटावा से हमारे बीच आए हैं श्री गौरव चौहान, गौरव जी का ताली बजाकर उत्साहवर्धन कीजिएगा, जोरदार ताली बजाओ मेरे भाइयों, आगे बैठो। श्री मनोज गुजर,
मांग ली मनोज जी गुजर हमारे ही विभाग के हमारे ही पास के क्षेत्र के भाई श्री मनोज जी गुजर। और अब उदयपुर का ही लाल जिसने इस देश के अंदर अपना नाम रोशन किया श्री आजाद शत्रु, आजाद शत्रु जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन कीजिएगा। मैं आजाद जी से निवेदन करता हूँ, बता रहे हैं आजाद कवि सिंह हमारे बीच पधारने वाले भाई श्री शैलेश लोढ़ा। यस ओके स्वागत करें भाई। हाँ साजापुर से हमारे गोविंद जी का उपड़ा उड़ा कर स्वागत करें अभिनंदन करें। मैं निवेदन कर रहा हूं पार्थ नवीन प्रतापगढ़ से हमारे बीच पधारे हैं, जी साहब चायरोली और सोनिका जैन से युवा पधारे और स्वागत करें अभिनंदन करें हमारे पार्थ नवीन कविता पाठ पढ़ने के लिए हमारे बीच प्रतापगढ़ से पधारे हैं। करता हूं जो हमारी सांस्कृतिक समिति की सदस्य भी है मैं उनसे निवेदन करता हुआ पधारे और कविता के बीच पधारी है उदयपुर से ही पढ़ी लिखी बड़ी हुई और आज अपना देश के अंदर नाम रोशन कर रही है बहन कविता जी किरण। श्री भुवन जी मोहिनी मैं कमलेश जी मेहता शिल्पा जी पामेचा हेमंत जी से अनुरोध करता हुआ पधारे और स्वागत करें अभिनंदन करें। इटावा से हमारे बीच श्री गौरव जी चौहान हमारे बीच पधारे हैं, शंकर जी चंदेल लोकेश जी और छोगालाल जी भाई साहब और मदन जी चारों से निवेदन करता हुआ पधारे हैं। उपड़ा दो दे देंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है। गौरव जी चौहान का स्वागत करें अभिनंदन करें। मावली से हमारे बीच दीपिका जी से अनुरोध करता हुआ पधारे और स्वागत करें अभिनंदन करें। चंद्र प्रकाश जी स्वालका से भी अनुरोध करता हुआ पधारे और उबड़ा उड़ाकर स्वागत करें अभिनंदन करें। मैं माधुरी जी से निवेदन करता हूं वह भी हमारे कवि भाई श्री मनोज जी का उबड़ा उड़ाकर स्वागत करें अभिनंदन करें। हमारे उदयपुर के ही लाल जिन्होंने नारा जी शर्मा और हो गया प्रशांत जी, अगर प्रशांत जी अरे आ जाओ प्रशांत जी, अरे आ जाओ प्रशांत जी हमारे वरिष्ठ नेता हो लोके जी देवेंद्र जी साहू वॉकी टोकी वाले कहा गए हिदायत तुला से भी निवेदन करता हूँ बता रहे और भाई आजाद जी का उपड़ा उड़ा कर स्वागत करें अभिनंदन करें। देखो भाई मंच पर स्वागत करते अभिनंदन करते भाई आजाद शत्रु का। दोनों हाथ हवा में उठाकर राम राम। ये मेरा शहर और इस शहर का ये सबसे बड़ा आयोजन उदयपुर को प्रतीक्षा हर वर्ष रहती है तो नगर निगम के इस दीपावली मेले की रहती है लेकिन उसमें भी प्रतीक्षा रहती है वो कवि सम्मेलन की रहती है। आप सब जानते हैं मेरे जितने नाम जितने चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं मैं उनके नाम भी लेता चलूंगा। पीछे महत्वपूर्ण लोग बैठे हुए हैं। मैं इस शहर का वो सौभाग्यशाली कवि हूँ मंच को बताना चाहता हूँ। जब से मेला लगा है तब से हर बोर्ड में आपके अजात शत्रु को कविता पाठ करने का आशीर्वाद मिला। 24 वर्षों का एक युवा बालक हो चुका है, युवा 24 वर्षों का, तो इस मेले के लिए आप ताली उनके लिए बजाएं जिन्होंने इस मेले की शुरुआत की। अभी वो अमेरिकन हॉस्पिटल में
आईसीयू में है, हमारे सबके लाडले जन नेता युधिष्ठर कुमावत जी के लिए एक बार दोनों हाथ हवा में उठाकर तालियां बजाएं, जिनकी वजह से यह मेला। बाकी बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं, किरण जी ने भी यहाँ पे, आज मुझे याद आ रहे हैं वो चेहरे, किरण माहेश्वरी जी का कार्यकाल, रविंद्र श्रीमाली जी का कार्यकाल, रजनी डांगी जी का कार्यकाल है, और हमारे चंद्र सिंह जी कोठारी का और हमारे भाई साहब का कार्यकाल जो अभी है। इतने लोग हैं, लेकिन इसमें आज ये मेले में ये जो कवि सम्मेलन है ये सबसे महत्वपूर्ण होगा, और मैं दावा करता हूं कि 5 वर्षों के बोर्ड में जैसा कवि सम्मेलन नहीं हुआ वैसा कवि सम्मेलन आज की रात एक ऐतिहासिक कवि सम्मेलन उदयपुर के लोगों को मिलेगा। एक बार अपने आशीर्वाद की तालियां इस मंच तक पहुंचाएं। फतेह सिंह ने इसको बसाया, फतेह सिंह ने इसको गले से लगाया, सांगा ने बाहों का झूला झुलाया, तो कुंभा ने मस्तक पे टीका लगाया, यहाँ से वहां तक खुले इसके धागे, ये फैला है अब तो बलीचा से आए। और मेरे उदयपुर वालों आपकी तालियां मांगता हूँ, अगली पंक्ति पे जहाँ दिल धड़क जाए आपका, यहाँ उदय सागर से आता है सूरज। अब देखना चाहता हूँ कितने लोग कविता सुनने आए हैं। यहाँ उदय सागर से आता है सूरज, पिछोला में फिर डूब जाता है सूरज, पिछोला में फिर डूब जाता है सूरज। थोड़ा थोड़ा युवा है, थोड़ा बुजुर्ग होने की कगार पे है, उस कवि का नाम होता है मनोज गुर्जर। मनोज गुर्जर मावली की रबड़ी, मावली जंक्शन, मावली का मनोज गुर्जर, और उसने शादी की है उदयपुर में, हमने उदयपुर की बेटी इसको दी, वरना इसका घर नहीं चलता, लखन नहीं है इसमें। एक बार मनोज के लिए ताली इसलिए बजा दें, ये बड़ा होशियार कवि है, ये इतना होशियार है गोबर सुन के भैंस की उम्र बता देता है। जोरदार तालियां बजे मनोज गुर्जर की। मनोज के ठीक पास में जो गौरव भी है और उसमें कविता में चौहानी तेवर भी है, इटावा की धरती से हमारे बीच में आए गौरव चौहान, एक बार जोरदार नाम है मित्रों। इस नाम को क्या कहूंगी, उदयपुर की बेटी भी है, उदयपुर की कार्यकाल इन्होंने किया, इतनी कर्म भूमि उदयपुर में रही है, लेकिन यहाँ से निकलकर देश दुनिया में गई है। पहली बार कवि सम्मेलन में जिनको आशीर्वाद मिला वो भी उदयपुर की जनता का मिला था। आज न केवल भारत में, कई देशों में जिसका नाम होता है वो होती है भुवन मोहिनी। तो एक बार अच्छा, मतलब दोनों के लिए तो इतनी कम, और भुवन के लिए ओ तुम्हारा लखन ठीक नहीं है। भुवन जी के पास में किरण दीदी हमारी, किरण कविता किरण, जो लोग नहीं जानते, नए बच्चे आए हैं कवि सम्मेलन में, वो एक पंक्ति सुनेंगे तो शायद इनके सम्मान में आपकी तालियां मिलेगी। आपने एक गाना सुना होगा, हाथों में आ गया जो कल रुमाल आपका, उस गाने को लिखने वाली कविता किरण जी। एक बार जोरदार तालियां पालना से उदयपुर की बेटी कविता किरण, ये तालियां कम नहीं, जोरदार का मतलब जोरदार। एक इधर जोशी जी को हमने पढ़ा, हरिशंकर परसाई जी को हमने पढ़ा, लेकिन व्यंग वो होता है जो धीरे धीरे समझ में आता है। वे अच्छे कुशल संचालक भी हैं, साजापुर मध्य प्रदेश की धरती से हमारे बीच में आए गोविंद राठी जी के लिए मैं अनुरोध करूंगा, एक बार आप जोरदार तालियां पूरा सदन। मैं जब जब पार्थ को याद करता हूँ, पार्थ प्रतापगढ़ की धरती से, पार्थ की कई वीडियो वायरल है, मिलियंस में सोशल मीडिया पे पार्थ को आपने सुना होगा, देखा होगा। आप पेरोडी पढ़ते हैं, हिंदी की एक ऐसी विधा जिसमें कि प्रतिगीत, नवगीत और प्रतिगीत कैसे लिखे जाते हैं, फिल्मी पेरोडी आप पढ़ते हैं, लेकिन जो पीछे बड़े लोग बैठे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो पुराने कवि सम्मेलन के श्रोता हैं, वो जानते होंगे एक हिंदी कवि सम्मेलन में हास्य के बड़े बुक्केदार कवि होते थे, हास्य के बड़े कवि हुआ करते थे, जिनका नाम होता था प्रहलाद नवीन, जो प्रतापगढ़ से आते थे, हास्य गणपति उनके सुपुत्र हैं, उनकी वंश परंपरा को आग बढ़ाते हैं यहाँ पे, लेकिन जब भी वो कविता पाठ करते हैं मुझे लगता है पिता पुत्र दोनों को आप आशीर्वाद दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां पाठ नवीन के लिए बना। और ठीक, हमारे इस पूरे मंच के सुदर्शन युवक भी हैं और थोड़े ऐसे बैठे हैं गणपति जैसे हैं, लेकिन संजय जाला हास्य के, व्यंग के, तेवर के वो कवि हैं जो अपने आप में उनका अपना एक हुनर है। संजय की पहचान, संजय भाई की पहचान में करवाऊँ, दोसा की धरती से है, लेकिन एक पंक्ति में आपकी तालियां खुद खुद उन तक पहुंच जाएगी। वो पुराने कवि हैं और उनकी एक किताब है जो पीछे लोग बैठे हैं, सारंग देवत साहब विराजे हुए हैं, ऐसे सारंग देवत साहब हमारे बहुत प्यारे भाई जो हैं वो सब विराजे, उन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि आपकी किताब
सुरपंखा की नाक का विमोचन माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी ने किया था। ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। आपकी तालियां थोड़ी कम थी, इतनी बड़ी बात की एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप। अब एक बार मेरे लिए भी तालियां बजा दो, मैं अजात शत्रु आपका अपना हूं, ताकि इन कवियों को पता लग जाए कि आप मेरी भी इज्जत करते हैं। एक बार जरा दोनों हाथ हवा में उठा के बजा ली। ऐसे सारंग देव साहब विराज कविता कैसे होता है। आज इतनी भीड़ में देख रहा हूँ, मैंने इस पूरे मेले में इतनी भीड़ अब तक नहीं देखी जितनी आज देखने को मिली। हमें इस बात का भ्रम नहीं आप उनको सुनने आए हैं, हमें इस बात का यकीन है कि आप टेलीविजन स्टार शैलेश लोढ़ा को सुनने आए। बहुत जल्दी हमारे बीच में आने वाले हैं, बहुत जल्दी आएंगे वो, हम उनको भी सुनेंगे। आज की रात आनंद की रात है, लेकिन एक बात इतनी सी कहूंगा, जरूरी इसलिए है, इस मजलिस में, इस महफिल में करोड़पति अरबपति कई लोग बैठे होंगे, लेकिन आप जिंदगी कैसे जीते जाता है, वो जहां जाता है वहां स्वर्ग बना देता है। तो अपनी अपनी अहंकार को थोड़ा कम कीजिएगा, क्योंकि आप जब विदा हो तो आप कैसे विदा होते हैं ये बहुत जरूरी है। अभी हमने जमशेद परिणाम पूछना तो रावण से पूछ लेना, दशहरा हमने मनाया है पिछले दिनों, अब दीपावली आने वाली है, परिणाम पूछना तो रावण से पूछ लेना। बल से जो धरती हिलाता चला जाता है, और मंच को भी सौंपता हूं पंक्ति, आपका भी मन मिले, बल से जो धरती हिलाता चला जाता है, एक दिन 10 शीश 20 भुजा का घमंड एक राम बाण पे चढ़ा के चला। आप सब लोगों की ओर से उपस्थित तमाम महनीय महानुभावों की ओर से, नगर निगम उदयपुर की ओर से, राजस्थान सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से और संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से मैं अपना हार्दिक स्वागत करता हूं, क्योंकि आप लोग तो स्वागत वागत की मुद्रा में बिल्कुल है नहीं। अब हम साहब मारवाड़ के लोग, अपनी इज्जत अपने हाथ में है, कोई करे या नहीं करे इससे क्या फर्क पड़ता है। तो आजाद, ये आजाद की धरती है, इसका नाम शत्रु है लेकिन ये सबका मित्र है। आजाद ने बहुत शानदार परिचय आप लोगों का, जरा एक बार मैं चाहूंगा पूरा सदन उल्लास उन्मुक्तता मस्ती के साथ जोरदार तालियां बजा करिए। बहुत शानदार व्यवस्थाएं हैं इधर, काफी संख्या में पुलिस वाले भाई, मैं पहली बार इतनी तादाद में देख रहा हूं। आजाद, इतनी तादाद में पुलिस, वो दिन दूर नहीं है जब सारे पुलिस वाले मंच पे होंगे, सारे कवि थाने में होंगे। आप लोग थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाइएगा, आनंद अभी आपको आने वाला है। नगर पालिका के तमाम पार्षदों ने हमारा स्वागत किया, हम भी उनका बहुत स्वागत करते हैं। ये जो नगर निगम के पार्षद कभी पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के पार्षद हुआ करते थे, लेकिन दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण ये नगर निगम के पार्षद हो गए। लेकिन क्या हुआ, है तो मनुष्य ही, मैं सबको प्रणाम कर, तीनों ऐसे बैठे हैं जैसे ऋषिमुख पर्वत पर बानर भालू बैठे हैं। आप लोग ऐसे ही बैठे, चलिए बहुत अच्छा। आइए आजाद में भाई, मैं तुझे शहर ने जो तुझे मोहब्बत दी है, मैं उसे सलाम करता हूं। ही इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उदयपुर, साहित्य की दुनिया में उदयपुर का जो परचम लेकर घूमता है वो भाई अजात शत्रु है। चाय आ गई है इसी दौरान, आइए ये एक हाँ पता नहीं कब क्या हो जाए साहब, आइए आइए। परिचय सबका आजाद ने करा दिया है, हालांकि ये लोग परिचय के लायक हैं नहीं, फिर भी करा दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। आइए मैं इसे प्रारंभ करना चाहता हूँ। देखिए मित्रों, एक बात कहना चाहूंगा आपसे, बार बार कभी लोग ये कहते रहेंगे, सभी लोग यहाँ थोड़ी देर के लिए रोक लें भाई साहब, आदरणीय पारस जी, पारस जी आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, आप
इस बहुत सुंदर लग रहे हैं इन वस्त्रों में। हाँ, शास्त्रों में कहा जाता है कि रात्रि में राक्षस अक्सर सुंदर हो जाया करते हैं। ये मैं नहीं कहता, शास्त्र नहीं, ये मायावी हो जाते हैं, वो बहुत सुंदर हो जाते हैं, बहुत दिव्य हो जाते हैं अपने रूप से। आपकी मोहब्बतों को मैं सलाम करता हूँ। आइए, मैं कवि सम्मेलन प्रारंभ करना चाहता हूँ। परिचय सबका करा दिया गया है। मित्रों देखिए, जब आप हंसते हैं, जब आप प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न चित्त होते हैं, तो आपके मन और मस्तिष्क न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, जो आपको आकर्षक बनाते हैं, जो सुंदर बनाते हैं पारस जी की तरह, जो स्वस्थ बनाते हैं, जो प्रसन्न बनाते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो एक बार आप ताली बजा कर देख सकते हैं, ये बड़ा बड़ी हो सकता है। मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, उदयपुर की ताली आमंत्रित करता हूँ। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, उस माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ जिसकी कृपा होती है तो एक अनपढ़ कबीर हो जाता है। मैं माँ सरस्वती के स्तवन आराधन और वंदन के लिए मानस भवन में आर्य जन जिनकी उतारे आरती, मानस भवन में आर्य जन जिनकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। हे भद्र भावद भामिनी, हे भारती, हे भवगते, सीतापते सीतापते, गीतामते गीतामते। आइए एक बार माँ सरस्वती के स्तवन वंदन और उनके आराधन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर भुवन मोहिनी को, जो इंदौर से। जोरदार तालियां एक बार बजा दें माँ सरस्वती की वंदना के लिए। आमंत्रित करता हूँ मैं डॉक्टर भुवन मोहिनी। शब्दों की अधिष्ठात्री माँ वीणा पाणी को वंदन करती हूँ। शौर्य को जो अपने भीतर रक्त में उबाल लेकर चलती है, वो राजस्थान की मिट्टी। अगर भक्ति की बात करूँ तो माँ मीरा को अपने भीतर धड़कता पाती है, वो राजस्थान की मिट्टी। अगर ममत्व की बात करूँ तो माँ पन्ना धाय को जो अपने भीतर महसूस करती है, वो राजस्थान की मिट्टी। इस मिट्टी के रज को अपने मस्तक पर लगाती हूँ। बहुत पावन मंच नगर निगम ने सजाया है, इस मंच को प्रणाम करती हूँ। मंच पर जितने भी कवि हैं सभी को अपने क्रम का नमन करती हूँ। हमेशा ऐसा होता है कि वंदना का आदेश मंच की बड़ी पुत्री को मिलता है, लेकिन आज मेरा सौभाग्य है कि मैं इस मंच की सबसे छोटी बेटी हूँ और मुझे वंदना का आदेश मिला है। एक बार मुझे पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर अनुमति दीजिए कि मैं माँ की वंदना करूं। प्रत्येक व्यक्ति आज के इस आनंद में उद्वेलित होना चाहता है, उत्साहित होना चाहता है, तो प्रत्येक मन मिलकर उस माँ का आह्वान करें कि वे आए और इस मंच पर विराजित हों और आज के कार्यक्रम की सफलता की आश्वस्ति और आशीर्वाद हमें प्रदान करें। तो मैं चार पंक्तियां माँ के चरणों में कुमकुम रूप में रखती हूँ और फिर वंदना के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। लेकर सुनिए। मेरे मन का हर एक मन का गंगा जल के जैसा लेकर हम उपस्थित हैं कि मेरे मन का हर एक मन का गंगा जल के जैसा हो। अगर सत हो तो माता जानकी संभल के जैसा हो। हे पावन मंच मानस का भुवन की प्रार्थना मेरा हर शब्दशाली ग्राम तुलसी दल के जैसा हो। मेरा हर शब्दशाली ग्राम। आपने मुझे आश्वस्त कर दिया कि माँ की वंदना में भी आप मेरा ऐसा ही साथ देंगे। निश्चित रूप से आपका ये आनंद उत्साह तक पहुँचेगा, लेकिन उस माँ को याद करते हैं जिसके कारण हम कुछ कहने में और आप सुनने में समर्थ हो पाते हैं। मैं वंदना प्रारंभ करती हूँ और आपकी आस्था की चेतना को आमंत्रण देती हूँ। सुनिए। जय हो शक्ति भगवती
अग्निवत मधुमती सर्वशक्त स्वामिनी रसवती सरस्वती जय हो शक्ति भगवती अग्निवत मधुमती जय हो शक्ति भगवती अग्निवत मधुमती सर्वशक्त स्वामिनी रसवती सरस्वती सर्वशक्त स्वामिनी रसवती सरस्वती व्याकरण व आचरण में आवरण विकास हो व्याकरण व आचरण में आवरण विकास हो शब्द के वितान पर अर्थ का प्रकाश हो शब्द के वितान पर अर्थ का प्रकाश हो जय हो शक्ति भगवती अग्निवत मधुमती पुष्प की सुगंध को इस अकाल अंध को पुष्प की सुगंध को इस अकाल अंध को ध्यान दे कि लिख सके हर प्रबंध छंद को सांस के विशुद्ध क्षीर में तेरा विलास हो सांस के विशुद्ध क्षीर में तेरा विलास हो शब्द के वितान पर अर्थ का प्रकाश हो शब्द के वितान पर अर्थ का प्रकाश हो जय हो शक्ति भगवती अग्निवत मधुमती। एक प्रार्थना मैं जानती हूँ कि वो प्रार्थना यहाँ बैठे हर मन की प्रार्थना है लेकिन अगर उसे शब्दों में आकार देकर आपके शहर की बेटी उस माँ तक पहुँचाती है तो आपका समर्थन मुझ तक पहुँचे। मैं वंदना का अंतिम बंद निवेदित करती हूँ कि जय हो शक्ति भगवती अग्निवत मधुमती वाद भी नहीं रहे विवाद भी नहीं रहे वाद भी नहीं रहे विवाद भी नहीं रहे नाद में निनाद में विषाद भी नहीं रहे उर में हो छवि तेरी तेरा उच्छ्वास हो उर में हो छवि तेरी तेरा उच्छ्वास हो शब्द के वितान पर अर्थ का प्रकाश हो शब्द के वितान पर अर्थ का प्रकाश हो जय हो शक्ति भगवती अग्निवत मधुमती सर्वशक्त स्वामिनी रसवती सरस्वती रसवती सरस्वती। प्रारंभ होना चाहता हूँ मित्रों थोड़ी मस्ती के साथ एक बार और मुझे बता दीजिए बार बार मुझे कहने की आदत नहीं है ये लाइट सीधी मेरी आंखों पर आ रही है मेरा नाम संजय है ऐसे ही आती रही तो मैं धृतराष्ट्र भी हो सकता हूँ थोड़ा देख लो अगर ये कम हो जाए तो और इसी बीच फिर चाय आ गई इधर चाय है उधर पकौड़े हैं ये जो आप देखो पीछे देखो लोग अनंत काल से खा रहे हैं अनंत काल से खा रहे हैं और भाई साहब हाँ आप रख दीजिए आप रख दीजिए इनको दो दो हाँ दीदी को दो दे दो बेटा बुआ को भी दो दे दो जल्दी रख के निकल ले बेटा रख के निकल ले आप लोग लीजिए चाय लीजिए आप पहली बार नाम सुनेंगे काफी विद्वान लोग आपकी पहली बार सुनेंगे। मुंडक उपनिषद में एक बात कही है आत्मा जीवात्मा और परमात्मा का भेद बताया कहां गए पारस जी मेरे सामने रहना आप कहीं इधर उधर मत होना आज बिल्कुल जीवात्मा और परमात्मा का भेद बताया गया है मुंडक उपनिषद में अर्थात जीवात्मा क्या है जीवात्मा वो है जो पक्षी फल खा रहा है वो जीवात्मा है और जो दूसरा पक्षी है वो देख रहा है वो परमात्मा है। तो ये जो जीवात्मा है पकौड़ा खा रहे हैं चाय पी रहे हैं पीजिए पीजिए आप लोग आइए मैं प्रारंभ होना चाहता हूं इस अब मुस्कान को थोड़ा बढ़ाइएगा हास्य को थोड़ा विस्तार दीजिएगा हास्य को परिभाषित करता हूं इस आनंद के साथ में पहले किस कवि को बुला लूं मुझे कोई पता नहीं अपनी चाय पी कर रखना
ऐसा नहीं, मैं किसी को भी बुला सकता हूँ। ये हास्य क्या है जरा मुखरित होना, अगर भाई एक भाई के साथ में बैठकर हंस रहा है, ये बीच में लॉरेंस बिश्नोई जैसा कौन बैठा है? जब तुझे देखते ही डर लग रहा है, दोनों बिल्कुल काले वस्त्रों में और ऐसा। ये मुझे अभी देख नहीं लगा, कई बार ऐसा होता है जैसे तू जैसे रामधारी सिंह दिनकर ऐसा। हास्य क्या है, भाई की हंसी ताकत सवाई है। पंक्तियों से जुड़ना, भाई की हंसी ताकत सवाई है। अगर आप अपने भाइयों के साथ बैठकर हंस रहे हैं, अपनी तालियां धीरे धीरे खोलकर मुझे बताना। मैं कवि सम्मेलन की सार्थक शुरुआत करना चाहता हूं। भाई की हंसी ताकत सवाई है, बहन की हंसी मजबूत कलाई है। जरा हाथ खोलना बिजो, बहन की हंसी मजबूत कलाई है। और जितने युवा बैठे मैं इनको समर्पित करता हूं। पिता की हंसी, अगर आपके प्रयासों से आपके पिता के चेहरे पर मुस्कान आती है, पिता की हंसी बच्चों की असली कमाई है। और ये माता जी जो बैठकर तालियां बजा रही हैं, मैं इन्हें समर्पित करता हूं। पिता की हंसी बच्चों की असली कमाई है, और मां की हंसी प्रभु की प्रभुताई है। माँ की हंसी प्रभु की प्रभुताई है, बच्चों की हंसी पीर की भुलाई है। आप कितने भी थके मांदे अपने घर जाएं और आपका बालक आपके सामने, मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरा बालक इतना बड़ा होगा। बच्चों की हंसी पीर की भुलाई है। और बेटियों के सम्मान में एक हास्य कवि इससे बड़ी बात नहीं कह सकता। मंच पर दो दो बेटियां बैठी हैं दूसरों की। बच्चों की हंसी पीर की भुलाई है, और बेटी की हंसी बाप की असली दवाई है। बेटी की हंसी बाप की असली दवाई है। और अब तालियों को बढ़ाना साहब, प्रेमिका की हंसी। ये देखिए, ये आपका मोहल्ला ना बैठा हुआ, ये आपकी वार्ड पार्षद लग रही। प्रेमिका की हंसी हवा हवाई है, और लुगाई की हंसी जेब की सफाई है। ऊपर पढ़ाना चाहिए पहले तीस सेकंड, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किसे बुलाऊं। आप देखिए, तू भी बड़ी गंभीर मुद्रा में बैठा है, मनोज, इसका नाम मनोज है। ये सरकारी कर्मचारी है। सरकारी कर्मचारी बड़ा महान प्राणी होता है, सरकार के सिस्टम बड़े महान होते हैं। माननीय मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, मैं इन्हें निवेदन करना चाहूंगा, सरकार में क्या होता है, जिस दिन अफसर होता है उस दिन बाबू नहीं होता, जिस दिन बाबू होता है उस दिन अफसर नहीं होता, जिस दिन दोनों होते हैं उस दिन काम नहीं होता। और नहीं किया हुआ है, मैं उस कवि को अंडरलाइन करने के लिए बुलाना चाहता हूं, जोरदार तालियों के साथ में माउली से मनोज गुर्जर को, जिसकी बातों में चुटकियां हैं, गुदगुदियां हैं। परिचय बस इतना कहूं और नहीं कछु खास, रामदास हनुमान जी हम दासन के दास। क्या बात है, वाह। आप सभी को प्रणाम करता हूं, मंच को प्रणाम करता हूँ। देखिए, मैं बड़ी टीम है, बड़े कवि है, देश के बड़े कवि भी आने वाले हैं, हिंदुस्तान के नहीं अंतर्राष्ट्रीय कवि भी आने वाले हैं। शैलेश जी, आप कोई भी यज्ञ करते हैं बड़ा, ब्रह्मा विष्णु महेश को पूज लो, लेकिन आपने गर्रा भेरू जी, बुलबंगाल जी, ताका जी यदि इग्नोर किया तो ठाम ठाम पे मुठिया वतानी पड़ेगा, कोई दख नहीं मिटेगा। तो मुँह आपने गर्व आदमी हूं, आनंद फुल आनंद आपने। पीछे भैया मोबाइल में कुछ कर रहे हैं, आई थिंक चेटिंग इज समबडी। नो, आई हैव नो प्रॉब्लम। किसी से भी चेट करो, किसी को भी शेड करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सलाह दे देना चाहता हूं कि सुनाई जुल्फो वाली डीपी का माता सपाट भी हो सकता है, सुनाई जुल्फो वाली डीपी का माता सपाट भी हो सकता है, और जिसे तुम माधुरी समझ रहे हो वो मांगीलाल जाट भी हो सकता है।
माधुरी भी हो तो भी रूप बदलती है, रूप सिया मंत्र लगा के बांध लेगी ये तुझे कोई झंकर लगा के। बीपी देख कर दीवाने न बनो नादान आशिको, सेल्फियां लेती है लड़कियां फिल्टर लगा के। हाय हाय, ये फिल्टर का जमाना है, क्योंकि आप और हम सभी मेवाड़ के हैं। ये मेवाड़ से बाहर से मेहमान आए, हम हल्दी घाटी के हैं, हम आए हल्दी घाटी से, हम आए हल्दी घाटी से, उस वीर पसूता माटी से, दरकार का हथियारों की सर फोड़ दे सूखी बाटी से। वाह, आ तो बाटी फेंकी मा तो बोलता कम थोड़ी हम, फिर भी चूंकि शौर्य की भूमि वीर भूमि में खड़े हैं हम उदयपुर में, तो चार पंक्तियां शौर्य वीरता और पराक्रम की आपके बीच में रखना चाहता हूँ। अदाजी भाई साहब, चार पंक्तियां कि डरता नहीं किसी के बाप से, डरता नहीं किसी के बाप से, न शर्मिंदा हूँ अपने आप से, गुंडे हो या दादा, वजीर हो या प्यादा, आदमी कोई कितना भी खतरनाक हो या अमरीकी ओबामा बराक हो, जवाब देता हूँ पहले हमेशा आकर, माफी मांग लेता हूँ सीधे पांव पकड़कर। तालियां गलत जगह बजाई, वाह, यदि आपके रक्त में उबाल आ जाए तो तालियां अब उठे, दोनों हाथ हवा में लहरा देना, माफी मांग लेता हूँ सीधे पांव पकड़कर, अपनी हिम्मत अपने हौसले को कभी तोड़ता नहीं और जब तक अगला माफ नहीं करे पांव छोड़ता नहीं। वही रहोगे नहीं, मुझे ज्यादा वीरता मारो नहीं दिखाई, बस ये इतनी सी वीरता। एक बार मैंने कोचिंग दी, घर पे गया और लुगाई से वीरता बोला मेरे लिए भोजन लेके आ, लुगाई रोटियां लाई, रोटियां पे घी नहीं चोपड़ी, मारा दिमाग खराब है कि मैं कमाई मुंह ले रू मारी रोटियां पे घी नहीं चोपड़ियो। 15 मिनट तक वह रसोड़ा में उभी रही, कहीं नहीं बोली, 15 मिनट बाद बोले मुँह 15 दिनों कह रू घर में घी खत्म नहीं, क्यों घी लाओ आप, घी लाया गई। अब उसके हाथ में जो मोबाइल था उसने उस मोबाइल को फ्लाइट मोड में फेंका, मोबाइल उठ तो दबा भैया थोड़ो घी चोपड़ी लेता नहीं, घी बेचो तो यो हीकड़ो बेटा ही अच्छा लग रहा हो तो एक बार अजान भाई साहब, दुनिया के सबसे लकी आदमी को आपने बुलाया है, संसार का सबसे लकी आदमी आपके बीच में आया, मेरी वजह से सबका फायदा हुआ, आज तक आपका कोई नुकसान नहीं किया। पहले मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में काम करता था, लाइफ इंश्योरेंस करता था, मेरी वजह से सबका फायदा हुआ, मैंने आज तक जिस जिसके बीमे किए सबके पास हुए। नुकसान क्यों करे यार, मेरे को मेरी यूरो खोला, लड़के लड़कियों की शादी करवाई, मेरी वजह से सबका फायदा हुआ, मैंने आज तक जिस जिस लड़के की शादी करवाई उसकी लुगाई को भी विधवा पेंशन मिल रही है। मुंबई चला गया एक सेठ के, मैंने कहा सेठ जी मेरे को नौकरी पे रखो, वो बोले बिल्कुल तेरे को नौकरी पे रखेंगे, मैंने सुना तू लकी आदमी है, मैंने कहा हाँ वो तो मैं हूँ, तो तेरे आने के बाद मेरी दुकान में बिक्री बढ़नी चाहिए, ओके वाई नॉट, बिक्री बढ़ेगी मैं आ गया हूँ, भगवान कसम बिक्री बढ़ी, इतनी बिक्री बढ़ी, इतनी बिक्री बढ़ी, सबसे पहले उसकी दुकान के सारे सामान बिके, फिर उस प्रभाव यहाँ नहीं दिखाऊं तो एक बार ढंग से जोरदार तालियां बजा दूं। भाई वाह वाह, हमारे बीच में और लीजिए भाई शैलेश लोढ़ा हियर, हाँ हमारे बीच में, हाँ कोई स्टार ऑफ इवनिंग The crown of poetry and icon of India, Mr. Shailesh Lodha. उनके साथ हैं लक्ष्मणराज जी, लक्ष्मणराज सिंह जी मेवाड़, जरा जोरदार तालियों के साथ हमारे इन दोनों अतिथियों का। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
मैं सभी सम्मानित अतिथियों से निवेदन करता हूं मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे विधायक आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब से निवेदन करता हूं मंच पर बता रहे। आज के हमारे भैया भैया विजयी जी हमारे देश का नाम रोशन करने वाले आदरणीय शैलेश जी लोढ़ा हमारे बीच है। उदयपुर की धरती पर विवाह की परंपरा पर स्वागत अभिनंदन। कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि हमें बहुत गौरव है। उड़ीसा से 5 बार की सांसद और हमारे महाराज कुंवर आदरणीय लक्षराज सिंह जी की सासू माँ जी भी आज हमारे बीच कार्यक्रम में अतिथि के रूप में बना रही है। मैं संगीता देव सिंह जी का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज के कल की धड़कन आदरणीय लक्षराज सिंह जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ। मैं महापौर महाराज कुंवर के साथ साथ करता हूँ अभिनंदन करता हूँ महापौर हाँ हमारे उदयपुर के एमएलए आदरणीय ताराज साहब पूरे विश्व में रोशन करने वाले शैलेश जी लोढ़ा जोरदार स्वागत ताली बजाकर स्वागत कीजिएगा। मैं विधायक आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब से अनुरोध करता हुआ बता रहे और चंद्रकला जी महापौर आदरणीय जी एस चाच साहब से निवेदन करता हूँ कि वह पधारे और शैलेश जी लोढ़ा करें। भाई श्री मनोहर जी चौधरी से निवेदन करता हूँ कि वह पधारे स्वागत कर दें। आज के हमारे कार्यक्रम के मैं उपमहापौर आदरणीय पारादीप साहब से निवेदन करती हूँ आप स्वागत कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि कहते थे उस सहजता से स्वीकार करके हमारे बीच पधारते हैं महाराज कुंवर लक्षराज सिंह जी साहब आज कार्यक्रम के हमारे सम्मानित अतिथि हैं। मैं निवेदन करता हूं सांस्कृतिक समिति की सदस्य नेहाजी कुमावत सोनिका जी से कि वह पधारे और दीपिका जी से कि वह पधारे और स्वागत करें कमलेश जी मेहता के लक्षराज सिंह जी का उपहार शॉल और प्रतीक चिन्ह बेटा मोनिका जी से निवेदन करता हूं वह पधारे और स्वागत करें अभिनंदन करें। अरे तालियां तो बजती है मेवाड़ वासियों मेवाड़ी का स्वागत हो रहा है जोर से ताली बजाकर स्वागत करें। कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि जैसा अभी कहा ना 5 बार की लगातार सांसद संगीता देव सिंह जी और मैं एक और परिचय दे दूं साहब कौन है पता है उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री है जोरदार ताली बजाओ और मैं स्वागत निवेदन के लिए निवेदन करता हूँ हमारे करणमल जी साहब चारोली जो हमारे सांस्कृतिक भरत जी जोशी मैं उनसे निवेदन करता हूँ पधारे और विद्या जी से निवेदन करता हूँ हेमंत जी से निवेदन करता हूँ पधारे और स्वागत करें अभिनंदन करें। स्वागत के इस क्रम में मैं निवेदन कर रहा हूँ करें फटाफट जल्दी कुसुम जी हमारे टाक साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो टाक साहब से निवेदन है हमारे उदय पार्षद बंधु बहनों की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। विलंब न करता हुआ पुनः मंच में सौंप रहा हूं कविता पाठ जो निरंतर चल रहा था उसको न तोड़ते हुए मैं निवेदन कर रहा हूं और पुनः मैं अतिथियों से निवेदन करता हूं मंच पर मंच से अपना स्थान ग्रहण करें। परिवार की जोरदार तालियां बजाएं। कहीं हमारे मेवाड़ राजवंश के बड़े कवि पंडित नरेंद्र मिश्र ने कहा कि कवि की वाणी युग का निर्माण किया करती है। कवि की वाणी युग का निर्माण किया करती है
जिससे स्वदेश का तेज प्रखर हो जाता है, जिस कविता से आलोकित होती जन्मभूमि उस कविता का संदेश अमर हो जाता है। तो मैं चाहूंगा कि जिस कवि ने नींव रखी थी मनोज गुर्जर ने, वो मिट्टी की बात कर रहा था, अपने मेवाड़ की मिट्टी की बात कर रहा था, मैं चाहूंगा कि उसका क्रम भंग हुआ, वो जिस तरह से पढ़ रहा था उसकी वाणी भंग हुई। तो मैं चाहूंगा कि मनोज गुर्जर फिर से एक बार आए, एक बार आप जोरदार तालियां बजाएं। अरे आजाद, कोई टेंशन मत लगाई, किसी प्रकार सृष्टि में लोग आते हैं, इसी प्रकार जाते हैं। मत भाई, ये कोई नई बात नहीं है भाई, शैलेश लोढ़ा का प्रताप है, तुम तो जानते हो। मैं शैलेश लोढ़ा को बहुत मोहब्बत करता हूँ साहब, बहुत प्रेम करता हूँ उसका, बहुत इज्जत करता हूँ मैं, इतना प्रेम करता हूँ साहब, इतना प्रेम करता हूँ कि भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान अगर मुझे अगला जन्म दे तो भाई शैलेश लोढ़ा की कोख से उत्पन्न करना। वो मामला आने पे ऐसा ही होता है, क्या कर सकते हैं इसमें। लेकिन तुमने बहुत शानदार सुनाया, मैं चाहूंगा एक बार अपनी तालियों के साथ बता दें कि आप बहुत शानदार तरीके से उसे सुन रहे थे। आदरणीय महाराज कुमार साहब उपस्थित हैं, मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा, भगवान राम के वंशज हैं आप, एक बात आपके सम्मान में मैं आपकी उपस्थिति में बोलना चाहूंगा। ये बात भगवान के लिए तीन बातें कही, आतिथ्य भाव को जो कहा गया, बाबा तुलसीदास ने कहा अतुलित अतिथि राम लघु भाई। अतिथि तीन प्रकार के होते हैं, एक अतिथि होता है तुलित अतिथि, जिसे तोला जा सकता है, आपके प्रेम से तोला जा सकता है। एक होता है संतुलित अतिथि, संतुलित अतिथि अर्थात जो राजमहल में भी वैसे ही रहता है और कुटिया में भी वैसे ही निवास करता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अतिथि थे भगवान राम। और तीसरी एक अतिथि की श्रेणी है अतुलित अतिथि, वो थे भरत, जिसकी किसी से कोई तुलना नहीं की जा सकती। क्या हो रहा था, वो फेरों पे बैठा हुआ था कि अचानक एसपी साहब आ गए, जैसे तुम अचानक एसपी साहब आ गए, थानेदार बड़ा अनुशासन में था, वो फेरों से खड़ा हो गया, एसपी साहब को सैल्यूट मारा, बोले सर आप बैठो। तो एसपी साहब बहुत सज्जन आदमी थे साहब, दूसरे दिन नहीं गए, लेकिन ये दूसरी बार भी आ रहा है, जरा जोरदार तालियों के साथ भूमिया जी। ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी भेजा, हां इसको चालू रखना है। गर्रा भूमिया जी ने नहीं बोलना, वो वहां खड़े हैं बिल्कुल ही। मुझे लगता है कि ये लुटे हुए आशिक है, तो एक सवाल आपके लिए भी दे दूं, प्यार में धोखा खाने वालों, बेवफाई का रोना रोना रोने वालों, आप अपनी मोहब्बत की ही केवाईसी करवाइए, आप अपनी मोहब्बत की ही केवाईसी करवाइए, आपकी मोहब्बत कहीं नहीं जाएगी, कोई दूसरा लॉगिन भी करना चाहेगा तो ओटीपी आपके पास आएगी। कितना शानदार लिख लेते हो यार। तो मैं कह रहा था आपको आनंद लो, पांच मिनट थोड़ा मुंह डबा चुप रही गई, मैं कंफ्यूज में बचपन से ही हूँ, बचपन में कंफ्यूजन, यू नो व्हाट इज अ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन को अंग्रेजी में कहते हैं डबा चुप। बचपन में मेरी माँ कहती थी मेरा शेर बेटा, मेरे पापा कहते थे गधा ऐसा, दोस्त क्या क्या कहते थे मैं आपको यहाँ बता नहीं सकता। लुबई आई तो सीधा ही जानवर कहने लगी, अब मैं मुटापा चुप हुई क्यों, मैं मन को उठाना हूँ यार, मुँह तो आजाद भाई साहब का क्यों, मैं क्या आजाद भाई साहब आप बताओ, मुँह मन को उठाना हूँ, ये बोला शक्ल तो मन ही खबर नहीं पड़ रही भाई। चल डॉक्टर के पास चलते, मुझे डॉक्टर के पास ले गए, हॉस्पिटल के ऊपर लिखा हुआ था पशु चिकित्सालय, समझ तो मैं वहीं गया, फिर भी अंदर गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप बताओ मैं जानवर हूँ या इंसान हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा जांच करनी पड़ेगी, सिरिंज में ब्लड निकाला, परखनल में डाला, मुझे परखनल ही पकड़ा दी, वो बोले सैंपल पड़े हुए वहां रख दो, मैंने सैंपलों के बीच में अपना सैंपल रख दिया, आधे घंटे बाद बोले सैंपल उठा के ला। अब मैं बचपन से ही कंफ्यूज डापा चूप, कचरा कछु सैंपल लायो, डॉक्टर साहब का हाथ में थमायो, डॉक्टर साहब जांच रिपोर्ट बनाई, बड़ी में आयो आप ऊटनी हो और तीन महीने से गर्भवती हो, खड़ा मुँह
तो आजाद भाई साहब भी अच्छे पंडित को दिखा, मैं पंडित जी पा गया, पंडित जी आप बताओ। वो बोला कुंडली ला, कुंडली ले गया, बोला कुंडली में समझ में नहीं आ रहा तू जानवर है या इंसान है, पर नवे ग्रह में राहु और केतु की को दृष्टि है, इसलिए बहुत जल्दी थारा माता पे हिंगड़ो और पाछे पूछड़ो होगी। तो मैं क्यों कहो पंडित जी कोई उपाय बताओ, तो पंडित जी ने कहा अपने हाथों से काले कुत्ते को रोटी खिलाना, अतराज में छेटियों ताड़ो गंडवड़ो दौड़ी नहीं लो, मुंडा मुंडा में ऑलरेडी रोटी, वो आयो जंप लगाई रोटी मारा मुंडा में थूक दी घात। तो मैं क्यों कहो पंडित जी यो कही है, तो पंडित जी बोले लाला यू लाग रो है और ये घनकड़ाने भी कड़ी पंडित यही उपाय बता। अब आप समझ गए मैं कौन सा वाला हूँ, तो एक बार ढंग से दोनों हाथ ऊपर अच्छा ऑडिशन था। अब जू ही मना ने मोटा मोटा जज साहब ने देखिया चित्र पर आया जज साहब मारी डिस्क फॉर्मेट हुई गई वो सब बोल गयो, लेकिन साहब आप ही मेवाड़ रहा था, मेवाड़ का व्यक्ति अगर कहीं जाए कैसे अपनी संस्कृति को अपने स्वाभिमान को लेकर जाता है आनंद लेना, वो बोले शुरू करो, मैंने कहा यस शुरू कर दे, मैंने कहा आर यू रेडी सिंग ए सॉन्ग विद मी 3 2 1 स्टार्ट। भेरु जी बावे जी कटे गया मारे तेल भरियो सरिया। ये क्या ये क्या ये नहीं चलेगा ये नहीं चलेगा, कुछ लेटेस्ट हो, कुछ पॉप सॉन्ग हो, कुछ रैप सॉन्ग हो सुनाओ। मैं भी अच्छा रैप सॉन्ग वो भी है आपके पास, वो के सुनाओ। मैं कहा यो यो मनियो कुमारो कोई नहीं बनियो। Are you ready to sing a song with me? 3 2 1 start. Paru ji thakat hai gaya, tel bhare mar sari raat baba sari raat, aake banao bigdi baat, ban jayegi bigdi baat, har chhimunga puri jaat, ghee ka pipa le aunga, chandi ka chhattar chaadunga, ghar mein mare shanti ni, biwi kehna manti ni, aankho dhan, dhamma din, luka rota khato ji. रात अंधारी गेलो जी मोदरे पुए बंद ले ए अफसर नंबर आधा वेतन काटता नेता रोवे केस ने लूट लिया है देश ने थई बताओ जाऊं गटे दुख मारो मेटो आयो आथे भोपा जी के कई दो आखा पाती दे दो जो के वो परो करूं मा तो फोड़ू उठे ही मरू अब तो चाल मारे हाथ हाँ कल पटकू मोरा मत कर दो मेरा बेड़ा पार भेरु जी की जय जयकार जय जयकार बाबा जय जयकार ताली बजाओ बारंबार बोलो भेरु जी बाबू जी की। अच्छा आप सभी ने शोले फिल्म देखी होगी, शोले फिल्म यदि इस वक्त बनती नहीं आदमी थी सरदार माँ कई जना मा तो खाली लुगाया देख रहा। अरे सरदार उठा बंदूक और लगा निशाना इसकी खोपड़ी में, सरदार बंदूक नहीं चल रही है आप इन्हें आधार कार्ड लिंक करेगी। कितना इनाम रखे है सरकार हमारे ऊपर? सरदार पूरे 36,000 जुटला मारा उपरे 36,000 इनाम कटा है, मारा उपरे तो पूरा 50,000 इनाम, और कोई नहीं सरदार 28% GST काटी तो 36,000। अंतिम डायलॉग आपके समझ में आ जाए तो पूरा सदन मजे लेना। 50-50 कोस तक जब भी बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा, तो बेटा कहता माँ रे बने मेरा मत बड़ा थे मैंने पहले ही यूज कह के हुई थी तो गब्बर तो आया ही नहीं, मारी प्रॉपर्टी में 3 हिस्सेदार हो रहे थे। हम राजस्थान के लोग हैं, राजस्थान के लोग क्या हम क्या कविता लिखे राजस्थान पर, कवियों ने कविता लिख डाली, कथाकार ने लिखी कथा, बच्चों का बचपन लिख डाला, लिखा जवानी जोश तथा सदियों तक जो अमिट रहेगा, कुछ ने ऐसा लिख डाला जिसने जैसा देखा इसको उसने वैसा लिख डाला, लिखा हुआ जो आड़ावल पे वो भीलों का शोणित है, दोरों पर कण कण पर पढ़ लो गाथा है सब वर्णित है, कहीं प्रेम की लिखी इबारत कहीं राग है भक्ति का, तलवारों की कलम बनाई हर पन्ना है शक्ति का, त्याग लिखा है शौर्य लिखा है वीरों का गुणगान लिखा और बलिदानों में सबसे ऊपर अपना राजस्थान। वाह वाह वाह
अंतिम कुछ पंक्तियां मैं आपके बीच में फिर बाबू चीन दिलाएगा, छोना बाबू मूवी दिखाएगा, छोना बाबू फोन दिला दे, सिम मेरा रिचार्ज करा दे, लव पे मेरी चर्चा करना, सोना बाबू खर्चा करना, पैसों का हो गया गाता तो सोना बाबू। और अंतिम पंक्तियां, हम लोग कौन है इतना अच्छा उत्सव मनाते दीपावली दशमे मेले का। आदरणीय अजय जी भाई साहब, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इतने सालों बाद भी आपने मुझे यहाँ इतने अच्छे श्रोताओं के बीच में खड़ा किया। मैं आजाद जी भाई साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कुछ पंक्तियां, मेवाड़ का हूँ मैं भी, आपके पास मामली का हूँ, मेरा साथ दीजिएगा। हम हैं कौन कि सब जीव जगत से नाता है, वसुधा के भक्त विधाता है, बलिदानी पथ पर चलते हैं, तप तप के तप में जलते हैं, संताप सभी सह लेते हैं, जो मिले अभाव रह लेते हैं, जीवन में स्वाभिमान रहा, रामायण जिनका गान रहा, सम्मान करे हम संतों का, गुणगान करे श्रीमंतों का, सीने में आग समेटे हैं, केसरिया वस्त्र लपेटे हैं, कहो गर्व से सनातनी, हम श्री राम के बेटे। वाह वाह वाह। रस की ओर आपको लेकर चलता हूं, थोड़ा सा रस परिवर्तन करता हूं, और आज मैं उसे बुलाना चाहता हूं, पंडित नरेंद्र मिश्र की ये पंक्तियां मुझे याद आती है, राज परिवार यहां उपस्थित है, इनसे बेहतर उससे बुलाने के लिए कुछ हो नहीं सकता। हाँ, तू थोड़ा सा ऐसे बैठ जाना। ये गौरव चौहान मित्रों, उसका बहुत एक फेमस सीरियल है, फेमस क्या है मुझे याद नहीं आ रहा, कौन सा लपेटे में 300 एपिसोड इसने किए हैं, ऐसा इसने मुझे बताया, लेकिन तूने 301 किए हैं, 301 किए हैं, ये उसकी तारीफ नहीं हो सकती मित्रों। मैं कहना आपको चाहूंगा, तारीफ ये है, अगर उजले रंग को अगर लाल रंग से गुणा कर दिया जाए तो उसकी कविताओं का रंग बनता है, ऐसी महनीय कविता उसकी है मित्रों। पंडित नरेंद्र मिश्र की इन पंक्तियों के साथ में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं उसे कि राणा प्रताप इस धरती का अपराजित काल विधायक था, राणा प्रताप इस धरती का अपराजित काल विधायक था, राणा प्रताप इस मिट्टी के मुक्ति मंत्र का गायक था, इस दुनिया के वीरों ने अब तक जिसका अनुगमन किया, राणा प्रताप के भाले को हिमगिर ने झुककर नमन किया, खुददारी वतन परस्तों की मेवाड़ भूमि की पूजी है, ये वो धरती है जहां कभी चेतक की तापे गोजी। जोरदार तालियों के साथ गौरव चौहान, जो इटावा मैनपुरी से हमारे बीच में है, भाई गौरव चौहान। आप लोग ऐसे खामोश हो गए हैं जैसे मुझे श्रद्धांजलि देने आए हैं। भाई साहब तो मुझे ऐसे घूर रहे हैं जैसे भारत जोड़ो यात्रा का प्लान मैं नहीं बनाया था। मैं वैसे भी बहुत डरा हुआ हूँ, बड़े बड़े स्टार हैं मंच पर, मेरी धड़कनें बहुत तेज हैं, स्वयं महाराजा कुंवर साहब बैठे हैं, उनका परिवार है, मैं प्रणाम करता हूँ। और ये सच है कि मैं न्यूज 18 इंडिया के बहुत ही प्रसिद्ध शो लपेटे में नेताजी में आता हूँ। कितने लोग देखते हैं लपेटे में नेताजी? इतने में इज्जत बच गई मेरी, बचा ली इज्जत आप लोगों ने, लेकिन मैं फिर भी डरा हुआ हूं। ये चार पंक्तियां आप सुन लेंगे। भाई साहब मोबाइल रख दो, नहीं गलत बात, मोबाइल आप साइड में रख दो, वैसे ही जैसे पंजाब में कांग्रेस ने सिद्धू को रख दिया था, बिल्कुल मत उठाओ। चार पंक्तियों में मेरा डर दूर कर देंगे, मैं बहुत आभारी रहूंगा आपका। माइक वाले, तुम्हारी शक्ल मेरी पत्नी के मायके वालों से मिल रही है, इसकी आवाज थोड़ा बढ़ा दूं, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, 2017 से पहले बहुत दबाई गई थी, बढ़ाओ आर्य पुत्र। हाँ, चार पंक्तियां, ये मेरी भी परीक्षा है और आपकी भी परीक्षा है, आओ दोनों पास होकर दिखाते हैं। स्वरों में शौर्य के लेकर यहां उद्गार आया हूं। वाह वाह क्या बात। पृथ्वीराज चौहान का वंशज हूं, आपसे वादा करता हूं जितने मिनट इस माइक पर हूं अपने चौहानी तेवर के साथ 1% बेईमानी नहीं करूंगा। आप मेरा साथ देते रहना 10-15 मिनट, वह सुना के जाऊंगा कि वर्षों आप मुझे याद रखेंगे। स्वरों में शौर्य के लेकर यहां उद्गार आया हूं,
यहाँ तक मैं कई नदियों को करके पार आया हूँ। वाह, तुम अपनी तालियों के शोर से आशीष दे देना, तुम्हारे मंच पर मैं आज पहली बार आया हूँ। तुम्हारे बहुत धन्यवाद। उदयपुर में आके मन अच्छा हो जाता है जब सामने मेरे बोहरा समाज के मुस्लिम भाई बैठे हो और उस स्थान पर बैठे हो जहां सनातन का पर्व मनाया जा रहा है, तो ये चार पंक्तियां बरबस निकलती है मेरे मुंह से। अजाने मुस्कुराती है भजन की बागवानी में, बटन रामू लगाता है रफी की शेरवानी में, वाह 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 वाह, और रजा की ईद पर राजीव सिमई खूब खाता है, मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में। क्या बात, मैं प्रणाम करता हूं दादा आपकी उपस्थिति। लेकिन हमारी शिकायत तुमसे है उदयपुर वालों, आप जागना, मैं थकाऊ कभी नहीं हूं और ना ही आपको थकने दूंगा। दक्षिण भारत से जब कोई चिल्लाता है, मुंह फाड़ता है कि आपकी ये परंपरा है, आपकी ये संस्कृति डेंगू है, मलेरिया है, इसे खत्म हो जाना चाहिए, उदयपुर के लोगों पहली बार में सनातन का शंखनाद देखना चाहता हूं इस भीड़ में। जवाब देना, कौन है हम, कौन है आप? जगत कल्याण के पथ पर सदा सत्कर्म वाले हैं हम ही, जग में मरण जीवन के शाश्वत मर्म वाले हैं, और समय और सृष्टि के आरंभ से है यह अमर गाथा कि हमको गर्व है हम सब सनातन धर्म वाले हैं। तालियां कमजोरे माफ कर रहे भीड़ में खड़ी हूं। हमें बहुत चिढ़ाया गया साहब, मंदिर वही बनाएंगे, हमको तारीख नहीं बताएंगे, तो सुनो, जो कहते हैं कर जाते हैं, जिगरा बहुत बड़ा है, फिर से सुनना आगे वालों, जो कहते हैं कर जाते हैं, जिगरा बहुत बड़ा है, अंगद अब भी पांव जमाए, लंका बीच खड़ा है, और राम द्रोहियों अब तो अपनी छाती जरा टटोलो, हमने जहां कहा था देखो झंडा वही गड़ा है। चरखे से क्रांति की स्थापना होती है, बचपन से सुनाया गया हमको, चरखे से क्रांति की स्थापना होती है, चरखे से क्रांति की स्थापना होती है। उदयपुर वालों, उत्तर प्रदेश में हमने अपनी दोनों आंखों से देखा है, बुलडोजर से शांति की स्थापना होगी। ये ताकत बनाए रखना, ये जो कहते ना सनातन खत्म कर देंगे, सनातन खत्म कर देंगे, उन्हें जवाब देना, जरा सी बूंदा बांदी है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, जो मुंह फाड़ देते ना सनातन खत्म कर देंगे तुम्हारा, तालियों में विस्फोट करना, जरा सी बूंदा बांदी है, कोई बरसात नहीं है, ओ मेरे हिंदुओं, डरने की कोई बात नहीं है, सनातन है अमर दुनिया में, अब इसको मिटाने की किसी के बाप के भी बाप की औकात नहीं है। चार पंक्तियां इस श्रृंखला में अंतिम पढ़ रहा हूं, अयोध्या का मंदिर बन गया, बहुत बहुत धन्यवाद, सरयू धन्य हो गई, उत्तर प्रदेश में काम और होने वाला है, ये चंबल की घाटी से आया लड़का हल्दी घाटी के वीर सपूतों को प्रणाम करता है, हिम्मत आपसे मिल रही है पढ़ने की, तो बताना मुझे मंच का भी आशीर्वाद चाहता हूं। अजात शत्रु जी जो मेरे पिता तुल्य हैं उदयपुर में, मुझे स्थापित मन से ही दूसरे के घर में ताक झांक करने की आदत होती है, आगे चल के वो फोटोग्राफर बनता है, अब तुम वही स्थापित हो जाओ, और उत्तर प्रदेश में जो हम स्थापित करने वाले हैं, उदयपुर वालों मंच का भी आशीर्वाद चाहता हूं। मैं वो पंक्तियां पढ़ने जा रहा हूं जब मैंने बागेश्वर धाम में स्वयं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सामने ये पंक्तियां पढ़ी थी, तो प्रसन्न होकर उन्होंने अपना सबसे पवित्र चोला 4 लाख की पब्लिक के सामने मुझे उतार कर पहनाया था आपके इस बेटे को, लेकिन वैसा यहां किसी को करने की जरूरत नहीं है क्योंकि महाराज जी ने डबल कपड़े पहने हुए थे, लेकिन तालियों में कमजोरी नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में एक चीज होने वाली है, अगर मैं आपको मथुरा तक ले जाऊं तो पता ना
अभी जरा सा धीर धरो, जमुना का पानी खोलेगा। भाई साहब हाथ खोल के बैठो, चौथी पंक्ति इतनी खतरनाक है, अब अचानक खोलोगे तो बगल वाले को चोट लग जाएगी। उदयपुर का पानी खोलेगा, राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। चौथी पंक्ति पर बताना, राम भक्त के बाद, इधर वाले खामोशी दिखाओ, अभी जरा सा धीर धरो, जमुना का पानी खोलेगा, राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन गदा उठा ली मेरे सनातनी इन वीरों ने, कब्र में लेटा औरंगजेब भी राधे राधे। मुलायम सिंह के गांव का। And I would like to tell you that when I was in 9th class, I started writing poetry. Since that time, ऐसे क्यों घूर रहे हैं? मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता क्या? मैं अंग्रेजी बोल के ये साबित करना चाहता हूँ कि मुलायम सिंह के गांव के लोग भी पढ़े लिखे होते हैं। I'm a well-educated poet. शैलेश जी हमसे बोले, तू बहुत बड़ा टीवी स्टार हो रहा है मेरे सामने, पाकिस्तान पर लिख के दिखा। शैलेश भाई आपके चरणों की सौगंध खा रहा हूँ, सच बताना, पाकिस्तान कोई लिखने की चीज है? जितनी सेना है उतने तो हमारे नागा बाबा घूम रहे हैं। पाकिस्तान की जितनी पुलिस है उससे ज्यादा तो हमारे जेलों में कैदी बंद है। शाम को कैदियों की सजा माफ, सवेरे पाकिस्तान। समझदार लोग हैं उदयपुर के लोगों, ये पाकिस्तान तो ऐसा देश है इससे कुछ नहीं बना तो वो हमारे सन्नी देओल से चिढ़ गया, सन्नी देओल से नाराज हो गया, बोला सन्नी देओल ने दो फिल्म बनाई उसमें हमारी बहुत बेइज्जती की, गदर वन गदर, दोनों में हमारी आग थू, इसलिए हम सन्नी देओल को पाकिस्तान का वीजा नहीं देंगे, हम सन्नी देओल को पाकिस्तान का वीजा नहीं देंगे। हमने कहा हे चिरकुटो, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम सन्नी देओल को वीजा ना दो। अब उदयपुर के जितने मेरे नौजवान साथी हैं, थोड़ा बताना कवि सम्मेलन कैसे सुनते हैं आप, जवाब अच्छा दूंगा ये गारंटी है। तुम्हारी इतनी औकात कि तुम हमारे सन्नी देओल को वीजा ना दो। सुन पाकिस्तान, दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा, आनंद लेना तू, दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा, देखोगे गदर मन सदा खींचा ही रहेगा, और तुम दो या ना दो वीजा उसे पाक के लोगों, सन्नी तुम्हारा जीजा था जीजा ही रहे। जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। क्या है, ताली नहीं बजाई तुम लोगों ने, मत बजाओ, दिल तोड़ दिया मेरा, यू हैव ब्रोकन माई हार्ट। लेकिन ये चौहान चुनौती देता है कि अगली पंक्ति पर एक व्यक्ति भी यहां हाथ रोक पाए तो रोक के दिखाए। हालांकि मैंने ऐसा कहकर रिस्क ले ली है, लेकिन आज तक भगवान ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, उदयपुर वाले भी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। दावा है अगली पंक्ति पर धमाकेदार तालियां आएंगी। जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं, और जितना बजट है तुम्हारा रोटी दाल वाला उतने का हम शिव जी पे दूध चढ़ा देते हैं। उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं, आखिरी लाइन पर हंगामा, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। टोटल बजट के बराबर तो यहां लड़के लड़कियों के फोन में रिचार्ज बढ़ा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। आइए, समय बहुत कम है और मुझे महाराज कुंवर साहब की उपस्थिति में एक विशेष कविता सुनानी है। स्वागत है। मित्रों, उदयपुर आना मेरे लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं होता है। मैं जिस महान आत्मा के लिए पंक्तियां पढ़ने जा रहा हूं
उनके लिए लिखने की मेरी औकात नहीं है, हैसियत नहीं है, लेकिन अगर महाराज जी आदेश दें तो मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। स्वागत है गौरव। और कहना चाहता हूं, वीर प्रसूता मातृभूमि पर बलिदानी अरमान की, पृथ्वी राणा घोड़ा बादल पन्ना के अभिमान की, जिसके कड़कड़ से आती है खुशबू हिंदुस्तान की, आज लगाता हूं मैं माथे माटी राजस्थान। वाह 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 वाह, अच्छे गौरव, बहुत अच्छे। कौन थे महाराणा और हमें क्या प्रेरणा देकर गए? अब थोड़ा हाथ खोलकर बैठ रहे, मैंने वादा किया ना थकूंगा ना आपको थकने दूंगा। पंक्तियां सुनना, जब देश में सुनाऊंगा, जब मुगलों ने मिर्ची डाली पावन हल्दी घाटी में, अग्नि पुष्प तब हुआ पल्लवित कुंभलगढ़ की माटी में, क्या बात, जो सिसोदिया कुल का गौरव स्वाभिमान का पोषक था, अकबर से जो खुली जंग का एकमात्र उद्घोषक था, अरे अकबर का दुस्साहस रोका साहस के बलबूते से, अरे समझौतों को ठोकर मारी जिसने अपने जूते से। हाथ खोलिए जरा, पता करना, अरे चेतक पर सवार होकर जब रणथल नापा करते थे, बाबर की औलादों के भी गुर्दे कांपा करते थे। मैं आपके पुत्रों के लिए पढ़ रहा हूं, हालांकि वो मेरे भी थे, लेकिन जोश आना चाहिए। अकबर बाबर की औलादों के भी गुर्दे कांपा करते थे, घास चपाती खाने वाला, ये मेरी प्यारी पंक्तियां संभालना, अरे घास चपाती खाने वाला खुद खुददार कहानी था, मेवाड़ी पानी के आगे अकबर पानी पानी था। वाह वाह, मेवाड़ी पानी के आगे, मेवाड़ी पानी के आगे अकबर पानी पानी था, अरे रजपूती गाथा के तन पर स्वाभिमान का जेवर था, मरते दम तक नहीं झुका वो सूर्यवंश का तेवर था। मरते दम तक नहीं झुका वो सूर्यवंश का तेवर था। लेकिन कुछ ऐसे भी थे, एक पन्ना खोल रहा हूं, चर्चा नहीं होती है, चर्चा करना शुरू करो, ताकि आज के लोग जो अपनों के साथ धोखा करते हैं उन्हें थोड़ी लज्जा आए। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो झुकते रहे गुलामी में, सिंह नाम था लेकिन जैसे सांप छिपे थे बामी में, सिंह नाम था लेकिन जैसे सांप छिपे थे बामी में, अरे जख्म कौम से गद्दारी के नाम आ रहा है, समझने वाले ताली बजाएं, बाकी खामोश रहें। सिंह नाम था लेकिन जैसे सांप छुपे थे बामी में, जख्म कौम से गद्दारी के अब तक दिल में जिंदा है, मान सिंह के करतूतों से हम अब तक शर्मिंदा है। मान सिंह के ये मेरे लिए बहुत बड़े क्षण हैं। वाह, महाराज साहब, ये आपने उसको दे दी है ना परमानंद को? मैंने तो एक आज ऐसी और हो तो फिर। संजय जी शॉल आपको भी मिलेगी, बस हिम्मत की बात कहना आना चाहिए। चार पंक्तियां सुनिए फिर से। जख्म कौन से गद्दारी के अब तक दिल में जिंदा है, मान सिंह की करतूतों पर हम अब तक शर्मिंदा है, इसीलिए मेवाड़ के लोगों, हार जीत की बात ना करिए, कौन हारा कौन जीता, हार जीत की बात ना करिए, संघर्षों का ध्यान करो, कथा पीढ़ियों को दिखलाओ, निज कुल पर अभिमान करो। और ये वो पंक्तियां महाराणा प्रताप की जयंती पर, हजारों पोस्ट मेरी पंक्तियां डाल देते हैं लोग, मेरा नाम नहीं होता है, लेकिन जब मैं वो पंक्तियां पढ़ूंगा आप उसे हर साल पढ़ते हो। कथा पीढ़ियों को दिखलाओ, निज कुल पर अभिमान करो, गिरा जहां पर खून वहां का पत्थर पत्थर जिंदा है। वाह, उठे तालियां। गिरा जहां पर, खामोश मत रहो, मैं मुझे गलतफहमी मत करो कि मैं मेवाड़ खड़ा हूं, आप लोग फीलिंग कर रहे हो कि मैं इस्लामाबाद में खड़ा हूं, खोलो हाथ। गिरा जहां पर खून वहां का पत्थर प...
नहीं है मगर नाम का अक्षर अक्षर जिंदा है। वाह वाह, जिस्म नहीं है मगर नाम का अक्षर। मेवाड़ को प्रणाम कर दिया तो मुझे ऐसी विदाई देना कि मैं वर्षों याद रखूंगा। जिस्म नहीं है मगर नाम का अक्षर अक्षर जिंदा है। जीवन में यह अमर कहानी, जीवन में यह अमर कहानी। अक्षर अक्षर गढ़ लेना, शौर्य कभी सो जाए तो राणा प्रताप को पढ़ लेना। देखकर कहते हैं राव अहो रूपम अहो धैर्यम अहो सबो अहो द्युति अहो राक्षस राजस्य सर्व लक्षण युक्तता। ऐसा शत्रु जो सामने खड़ा है आपको मारने के लिए आया है वो राम, भगवान राम कहते हैं कि वाह क्या तुम्हारा रूप है, क्या तुम्हारा धैर्य है, क्या तुम्हारी धृति है, क्या तुम्हारी क्रांति है। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, अगर सीखना है तो शत्रु की तारीफ करना राम से सीखा। आइए मित्रों जरा तालियां बजनी चाहिए एक बात पे, क्या क्या चीजें हमें सीखनी चाहिए। लेकिन मैं अब इसे बुलाना चाहता हूं जो इतना गंभीर बैठा है, जैसे शेषनाग पृथ्वी को इसके कंधों पर रखकर खुद डिनर के लिए निकल ले। ये प्रतापगढ़ से हमारे बीच में है, प्रताप का प्रताप लेकर ये हमारे बीच में उपस्थित है। पार्थ नवीन जो पैरोडी के लिए जाना जाता है, ये हमारे मंच का अलेक्जेंडर पोप है, अलेक्जेंडर पार्थ भी कहूं तो इसे अतिशयोक्ति नहीं होगी। राय एक बार जोरदार तालियां बजाएं पार्थ नवीन के लिए। माँ सरस्वती को प्रणाम करता है, आप सभी को प्रणाम करता। गौरव भाई ने बहुत सारी बातें की हैं, उनका चौहान ही केवल उन्होंने आपने जो बताया बहुत बढ़िया, इन्होंने पढ़ा, भगवान इनके फेफड़े सलामत रखे। इतना बरसात उसी जज्बात में नहाता चला जाऊंगा, इस लाता चला जाऊंगा, जय को उदय पर लाता चला जाऊंगा, कलियों से डालिया कविता से तालियां, जीजा जी से सालियां मिलाता चला जाऊंगा। कलियों से डालिया कवि चिंता का चिता चिता चिंता का चिंता का चिता चिता चिंता का चिंता का, जब तक ताली नहीं बजाऊंगा तब तक तो यही गाऊंगा। चिंता का चिता चिता चिंता का सर आप ही बजाओ, आपको क्या लग रहा है मजाक कर रहा हूँ, रात भर गाऊंगा। चिंता का चिता चिता चिंता का हिंदुस्तानी आदमी को पता लगाना आता है, और पता कैसे लगाता है वो मैं आप तक पहुंचाता हूँ। पता आप तक पहुंचता है तो ताली बजा के मुझे बता देना कि पता आप तक पहुंच चुका है। यो हसीना अपने दुपट्टे को संभाल जरा, लोग यहाँ प्रेम के निशान ढूंढ लेते हैं। ओ हसीना अपने दुपट्टे भी मकान ढूंढ लेते हैं। मेले में दुकानें तो हजारों लगती है पर लोग यहाँ काम का सामान ढूंढ लेते हैं। और नेहरू जी के मंदिर का पता पूछ कर लोग यहाँ पर दारू की दुकान ढूंढ लेते हैं, यहाँ पर दारू की दुकान ढूंढ लेते हैं। चिंता का चिता चिता चिंता का चिंता चिता चिंता आई तीन एक साथ गांधी जी के आजा जल्दी से बैठ। ये जो चंद मंद अपना रूप लेकर अचानक झुंड के बीच चले गए हैं। हमारे देश में एक त्योहार आता है 14 फरवरी को, प्रेम चौदस, तो कुंवरों का दिल टूट जाता है उस दिन। कुंवरों का जिनमें आप कुंवरों के लिए चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, चौथी पंक्ति में समाधान है। मैं अपने जीवन में कर चुका हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ करना क्या। दिल नहीं तोड़ना, निराश नहीं होना, चौथी पंक्ति में समाधान। आई बना के पास में कुआ बना दिया, इससे पहल की वो मुझे मामा जी बनाती, मैंने उसे मोहल्ले की बुआ बना दिया, मैंने उसे मोहल्ले की बुआ बना दिया। चिंता का चिंता 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 का। और ये तो नौजवान बहुत अच्छा सुन रहे हैं, जो 60 साल के ऊपर यहाँ बैठे हुए हैं उनकी भी चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। संतूर की तरह बजते रहो गांव में, संतूर की तरह मुरझाए हुए फूल पे आएंगी तितलियां, एंजॉय कीजिए शशि थरूर की तरह, एंजॉय कीजिए शशि थरूर की तरह।
चिंता ये आपको राम भाषा नहीं आया क्या बात। आप लोग तो मुझे ऐसे सुन रहे हो जैसे कि मैंने हिरण मार रखा, हिरण मार दिया उसने, जोधपुर जेल में गया और जोधपुर जेल में दो दिन रुका सलमान खान, दो दिन रुका जोधपुर जेल में। तो उस पर डर तो लगता ही, डर किसको नहीं लगता, डर होता क्या है वो आपको बताओ। महाराणा प्रताप उस जंगल में यहाँ वहाँ भटका है, तू कितना भटका है, फिर कचहरी में जहाँ तहाँ, बोले सल्लू मियाँ नींद में भी यहाँ वहाँ, हाँ हाँ चिंगारा 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 श्रीमत गड़ी। आइए मंत्री महोदय बैठे हुए हैं, मैं आपको राजस्थान का चुनाव परिणाम सुनाता हूँ। मंत्री जी नहीं, कोई बात नहीं, तो चुनाव परिणाम तो मैं फिर भी सुनाऊंगा। उधर मत देखिए, उधर कोई हलचल नहीं। ये बंद कब होंगे सर? ये मेरे बाद होंगे, जब मैं बंद होऊंगा तब ये आप जरा इधर आ जाए पीछे वाले, ये जो आपको इस्तीफा दिखा रहे हैं। चिंता था ये आपको रिदम में लाने। अब आपको सुनाता मैं राजस्थान का चुनाव परिणाम राग सरकारी। राजनीति की राजकुमारी सत्ता पा गई दिया कुमारी, भाई हार हारे राठौड़ी, भाग गई गजेंद्र की घोड़ी, बाबा बालक नाथ निहारे, राजनाथ है साथ हमारे, दिल सबका ही भरा रह गया, वसुंधरा सब धरा रह गया, राजनाथ आए जयपुर को, राजनाथ आए जयपुर को, बदल दिया फरमा की भजमन भजन लाल शर्मा, की भजमन भजन लाल शर्मा। आइए मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, आजकल के नेता कुर्सी को किस निगाह से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं, वो आप तक पहुँचाता हूँ, और आपको लगे कि आजकल के नेता कुर्सी को इसी निगाह से देखते हैं। सोचता है टिकट के बारे में तो लगता है जैसे शेख चिल्ली एक ख्याल देख रहा हो, सोचता है चुनाव में वोटर को नेता ऐसे देखता है जैसे कि कोई दलाल माल देख रहा हो, जैसे कि कोई दलाल माल देख रहा हो, बड़े नेता जी को छोटा नेता ऐसे देखे जैसे, बड़े नेता जी को छोटा नेता ऐसे देखे जैसे रुपया डॉलर का उछाल देख रहा हो, और हर एक नेता कुर्सी को ऐसे देखता है बबीता को जैसे जेठालाल देख रहा। के बाहर यूपी के अंदर योगी, यूपी के बाहर मोदी, दोनों अकेले सोते रात को। इसने भी मन को मारा, उसने भी मन को मारा, ये भी कुंवारा देखो वो भी कुंवारा, दोनों कुंवारे मिलके देश को तारे मिलके, दोनों कुंवारे मिलके देश को तारे मिलके, दोनों ना सुनते किसी की बात को। एक मिला जो ऐसा वो भी टक्कर ना देता, एक मिला जो ऐसा वो भी टक्कर ना देता, वो भी अकेला सोता रात को। चिंता था। ये आपको रात भर समझ में नहीं आए, एक्चुअली में ये सेटिंग है, सेटिंग समझते हैं आप लोग, वो नहीं मैं बता रहा हूँ, आप गलत समझते। एक बार एक शादी समारोह चल रहा, दो पंडित बैठे हुए, पहले पंडित ने मंत्रोच्चार शुरू करे, ओम गणपति गुम दानम यजाम है शांति रे दी शांति श्यामा, ओम घी चोरो स्वाहा,
दूसरा पंडित बोला ओम काय में चोरू, काय में चोरू, काय में चोरू स्वाहा। पहला पंडित बोला उत्तम मासे पूर्ण मासे करवा में चोर ले, करवा में चोर ले, करवा में चोर ले स्वाहा। दूसरा पंडित बोला ओम भरभुवा स्वाहा चोर लियो, चोर लियो, चोर लियो स्वाहा। करवा में घी चोर वे लाड़ी पढ़ियो थारी ओटा राज। पहला पंडित बोला ये कौन बोली, बोले ये नायों की कल्याणी का की। सेटिंग शुरू। ओम गणपति घूमता नम यदाम हे शांति रे दी शांति श्यामा हे कल्याणी नारक रक्षा बसे मतनी आदो धारो आदो भारो नम स्वाहा। आइए समय की अपनी एक सीमा है, हालांकि सीमा सचिन की है और सचिन लप्पूसा है। यहाँ पर आपने देश विदेश की यात्राएं की हैं, मुझे कई देशों की यात्रा करवाने वाले आदरणीय मेरे गार्जियन आदरणीय शैलेश लोढ़ाजी की उपस्थिति है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं और उन्हीं की एक पसंदीदा पैरोडी जो है वो मैं सुनाना चाहता हूं। आदरणीय महाराज जी आपको समझ सकते क्या है हमारा देश, इतनी सी इसकी भूमिका है। हिंदुस्तान के जैसा दूसरा देश पूरे विश्व में नहीं है, इतनी सी भूमिका है। एक पैरोडी सुन लीजिए। ना तो गंगा मासा पानी कहीं, क्या बात है, वाह वाह। ना शहीदों की कहानी कहीं, ना तो धर्मों में अंतर, ना वो संत दिगंबर, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। ना तो झांसी वाली रानी कहीं, ना ही पन्ना सी मर्दानी कहीं, बाबा बर्फानी कहीं भी ना ही राणा सी कहानी कहीं। जितना कहूँ कम है लगना, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। सेना का जुनून, सेना का जुनून भी है युवाओं की जान है, सारे जहां से अच्छा मेरा हिंदुस्तान है, सारे जहां से अच्छा मेरा हिंदुस्तान है। कहीं ब्रज की तू होली बने, महाकाल की सवारी कहीं, कभी इंदिरा बनी है तू तो बनी अटल बिहारी, कभी जग घूमे थार जैसा ना कोई, जग घूमे थार जैसा ना कोई। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। जरा तालियां एक बार बजा दीजिए सब में। समय की सीमा का भी सब दिक्कत नहीं है, तुम्हारी ट्रेन है, मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं। आइए मित्रों, भारत ये जगत गुरु इसलिए नहीं हो, आप मैं बहुत ध्यान चाहूंगा अगर आपका मन हो तो। भारत जगत गुरु क्यों है, ये आर्यभट्ट का भारत है, आदरणीय आपको समर्पित करता हूं। क्यों है ये जगत गुरु, ये आर्यभट्ट का भारत है, वो आर्यभट्ट जिसने दुनिया को सबसे पहले शून्य